अब इस शरीर पे या तो योद्धा का यूनिफॉर्म होगा या फिर तिरंगा तेरे जैसे लोग अपना दिमाग बचा लेंगे ऐसे ऐसे बडे बड़े विशेष छोटी मोटी गलतियां होती रहती सोल्जर्स होते हैं और भी वेलकम बैक दी एन अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ जो कि 2024 में रिलीज की गई योद्धा मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा मूवी कैसी है ये फ़िल्म आपको कहाँ पे ऑफिशियली देखने को मिलेगी कैसे देख सकते हो उस फिल्म को और यहाँ पर इस फिल्म को तो ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिए गए कैसा रिस्पांस मिल रहा है वो भी बात करेंगे अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर योद्धा मूवी देखने के लिए आए हैं तो डिस्क्लेमर पर बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको योद्धा मूवी देखने को नहीं मिलेगी इस फिल्म के अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और आप उसको ये भी बताया जाएगा कि ये फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकते हो और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पर ऑफिशियली जा देख सकते हो और साथ ही इस इलम का रिव्यू किया जाने वाला है कैसी स्टोरी फिल्म की बॉक्स पर इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके ऊपर भी बात की जाएगी तो इंटरेस्टेड लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो वीडियो को और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें योद्धा मूवी की तो ये फिल्म 2024 में रिलीज की गई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जी हाँ सो एक्शन थ्रिलर फिल्म का जोनरा था और फिल्म को रनिंग टाइम दिया गया है दो घंटे तेरह मिनट का और ये एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी तो यहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले कौन सी मूवी को डायरेक्ट किया है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर उससे इससे पहले उन्होंने सिर्फ़ एक फ़िल्म को डायरेक्ट किया है शायद शेर शाह मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं शेर शाह मूवी को डायरेक्ट ना किए भी शायद नहीं किया लेकिन उसी की टाइप की ये फ़िल्म है जिस तरह शेर शाह के अंदर यहाँ पर जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा तरह की जो एक्टिंग थी ना वो नेक्स्ट लेवल देखने को मिली थी इस फिल्म यानी योद्धा के अंदर भी उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म को टेन बाय सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली हुई है गूगल के ऊपर ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से और यहाँ पर फिल्म को पंद्रह मार्च को टू थाउजेंड ट्वेंटी में इन जो कि फ़िल्म को रिलीज़ करवाया गया था जो कि पैन इंडिया तो नहीं इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाया गया था और इस फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिला वो भी बात करते हैं तो यहाँ पर आप जिसको बता दूँ कि इस इनको टेन बाई सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली और नाइन्टी थ्री परसेंट गूगल के ऊपर लाइक भी मिल चुके हैं और यहाँ पर इस को जो कि पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर सागर अमरे ने मिलकर सिंह को डायरेक्ट किया हुआ था बजट इस सिम का पचपन करोड़ था और को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कर रही थी ए फिल्म और यहाँ पर एडिट सिम को किया हुआ था शिव कुमार ने और यहाँ पर आगे इस फिल्म के बारे में बात करें तो म्यूज़िक इस फिल्म को जी जो सॉन्ग्स वगैरह थे ना उसको तानिक भाची विशाल मिश्रा भी प्राक और यहाँ पर आदित्य देव जॉन स्टेर एदेो और यहाँ पर स्कोर जॉन जो कि स्टार्ट एवे ने मिलकर जो कि म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ जो कि योद्धा का ट्रांसलेट किया जाए तो वॉरियर बनता है ये 2024 में इंडियन हिंदी लैंग्वेज की फ़िल्म था और फिल्म का जो है एक्शन थ्रिलर और सुन को राइट और डायरेक्ट किया है सागर अम्बरे ने और यहाँ पर पुष्कर ओझा ने विद प्रोड्यूस बाय जो कि हीरो याश जोहर ने और यहाँ पर करण जौहर और यहाँ पर अपूर्वा मेहता द अंडर द बैनर धर्मा प्रोडक्शन जो कि कंपनी के, के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है स्टार कास्ट में देखने मिले सिद्धार्थ मल्होत्रा राशि खन्ना एंड दिशा भटानी और यहाँ पर जो कि बात करें अभी इस के जो कि बात की जाए कुछ कास्ट और यहाँ पर सन्मोडोग्राफी तो भाट, सिन्म की, 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 की तो जिष्णु भट्ट भट्टाचार्य जो कि फिल्म की सीनमोडोग्राफी की एडिट किया फिल्म के शिव कुमार वी पंकड़ ने और यहाँ पर जो कि बता दूँ आपको चूंकि प्रोडक्शन कंपनी की तो प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो कि अमेजोन एम जी स्टूडियोज धर्मा प्रोडक्शन मैंटो डिस्कम्पल एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ए फिल्म है इसम को रिलीज़ करवाया पंद्रह मार्च टू थाउजेंड में और का रनिंग टाइम था एक मिनट यानी दो घंटे दस मिनट और ये एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी बचपन करोड़ फिल्म का बजट था और अभी तक फिल्म ने टोटली वर्ल्ड वाइडली सत्रह करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है और जिस तरह से यह फिल्म कलेक्शन कर रही है और यह फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप के जमरे में जा रही है जी हाँ सो फ्लॉप जा रही है लेकिन देखा जाए तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है और साथ ही यहाँ पर स्टोरी भी ठीक ठाक है लेकिन जो कि फिर से वही टिपिकल जो कि सीन रखे गए हैं जिस तरह से पाकिस्तान को जो कि फिर से पाकिस्तान को ट्रोल किया जाता है पाकिस्तान को दोषी ठहराया जाता है पाकिस्तान के पर जो कि चीज़ें लिखाई सारा को इल्जाम लगाया जाता है वही सारा को टिपिकल स्टोरीज़ जिसकी वजह से यह फिल्म भी बॉक्सेस पर फ्लॉप रही जिस तरह से टाइगर्स जो कि मूवी थी लेकिन उसका जो कि लास्ट में जो सीन था ना वो भी ठीक था लेकिन इस फिल्म का कुछ ठीक ना होने की स्टोरी वजह से यह फिल्म बॉक्सेस पर फ्लॉप रह गई कास्ट की बात करें तो यहाँ पर सिद्धार्थ मरोचा मल्होत्रा जो ना इस फिल्म के अंदर अरुण कटियाल का रोल प्ले करें जो कि आर्मी सोल्जर हैं और यहाँ पर राशि खन्ना जो कि प्रिया माधवा का रोल प्ले, प्ले, प्ले कर और यहाँ पर वो कटियाल अरुण की वाइफ है और यहाँ पर दिशा पटानी जो कि लैला खालिद का रोल प्ले कर रही यहाँ पर वो फ्लाइट अटेंडेंस है और यहाँ पर रौनित राय इस फिल्म के अंदर मेचर सुंदर कटियाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर तनुज वरुण इस फिल्म के अंदर समीर खान का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर सन्नी हिंदूजा इस के अंदर जलाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर कार्तिका जो कि भरद्वाज के अंदर तानिया शर्मा का रोल प्ले कर पर एम जो के जहीर फिल्म के अंदर अनुज रेयर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर चैटरंजन ट्रॉफी जो फिल्म के अंदर एस एन ढिंगरा का रोल प्ले कर यहाँ पर फरीदा पटेल के अंदर जो कि मिसिस कटियाल का रोल प्ले कर रही है तो ये सारी कास्ट वगैरह है जो आप जिसको इस फिल्म के अंदर अपना रो, अपना रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी और ये सारा कुछ कास्ट थी और यहाँ पर आप जिसको बता दूँ तो ये फिल्म बॉक्सेस पर वैसे तो फ्लॉप हो चुकी है अगर आप दोस्त सिद्धार्थ आनन्द जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के डाई हार्ट फैन हो साथ ही उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस फिल्म को एक बार तो देख स ही सकते हो ये फिल्म अभी भी थिएटर में लगी हुई है तो जाके इस फिल्म को थिएटर में देख सकते हो बड़े बड़े स्क्रीन पर और बड़े पर्दे पर इंजॉय कर सकते हो और अगर आप उसने देखा हुआ है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और वीडियो भी अच्छा लगा वीडियो को भी लाइक कर सकते हो इन फ्यूचर जब भी ये फिल्म ओ टी प्लेटफॉर्म पर आती है तो उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजमी चैनल को आप सुने सब्सक्राइब करके कर कर रखना है और यहाँ पर इस फिल्म यानी योद्धा मूवी की बात करें तो आप इसको बता दूं योद्धा फिल्म जो कि एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी लेकिन यहां पर स्टोरी जो कि फिल्म की अच्छी ना होने की वजह से ये फिल्म ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है फिर भी यहां पर सिद्धार्थ आनंद के सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैंस के लिए उनकी ये फ़िल्म काफ़ी अच्छी उनको पसंद आएगी यहाँ पर हाई जैकिंग वाले सीन दिखाए गए हैं अगर आप तो उस हाई जैकिंग वाली मूवीज़ को पसंद करते हो तो ये फ़िल्म आपको देखनी चाहिए इस फिल्म को देख सकते हो तो ये फिल्म आपको थिएटर में देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जाके देख सकती हो और इन्जॉय कर सकते हो और अपना ओपिनियन भी कंटबॉक्स में बता सकते हो इन फ्यूचर जैसे ओ टी टी ओ टी टी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अपडेट्स आती हैं या इस फिल्म यानी जो कि बात करें योद्धा मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया जाता है तो वो भी अपडेट्स मिल जाएगी इसी चैनल पर तो लाजमी अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर वेलकम बैक दी एन अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ जो कि ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई योद्धा मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा मूवी कैसी है ये फ़िल्म आपको कहाँ पे ऑफिशियली देखने को मिलेगी कैसे देख सकते हो इस फिल्म को और यहाँ पर इस फिल्म को तो ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया कैसा रिस्पांस मिल रहा है वो भी बात करेंगे अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर योद्धा मूवी देखने के लिए आए हैं तो डिस्क्लेमर में बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको योद्धा मूवी देखने को नहीं मिलेगी इस फिल्म के अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और आप जिसको ये भी बताया जाएगा कि ये फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकती हो और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पर ऑफिशली जा देख सकते हो और साथ ही इस फिल्म का रिव्यू किया जाने वाला है कैसी स्टोरी फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके ऊपर भी बात की जाएगी तो इंटरेस्टिंग लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो वीडियो को और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो तो यहाँ पर हम दो सब बात करें योद्धा मूवी की तो ये फिल्म 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जी हाँ सो एक्शन थ्रिलर फिल्म का जोन रहा था और इस फिल्म को रनिंग टाइम दिया गया है दो घंटे तेरह मिनट का और ये एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी तो यहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले कौन सी मूवी को डायरेक्ट किया है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर उससे इससे पहले उन्होंने सिर्फ़ एक फ़िल्म को डायरेक्ट किया है शायद शेर शाह मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं शेर शाह मूवी को डायरेक्ट ना किए भी शायद नहीं किया लेकिन उसी की टाइप की ये फ़िल्म है जिस तरह शेर शाह के अंदर यहाँ पर जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा तरह की जो एक्टिंग थी ना वो नेक्स्ट लेवल देखने को मिली थी इस फिल्म यानी योद्धा के अंदर भी उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म को टेन बाय सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली हुई है गूगल के ऊपर ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से और यहाँ पर फिल्म को पंद्रह मार्च को टू थाउजेंड ट्वेंटी में इन जो कि फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जो कि पैन इंडिया तो नहीं इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाया गया था और इस फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिला वो भी बात करते हैं तो यहाँ पर आप जिसको बता दूँ कि सिोको टेन बाई सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली है नाइन्टी थ्री परसेंट गूगल के ऊपर लाइक भी मिल चुके हैं और यहाँ पर इस सिन को जो कि पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर सागर अम्बर ने मिलकर सिंह को डायरेक्ट किया हुआ था बजट का पचपन करोड़ था और को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कर रही थी ए फिल्म्स और यहाँ पर एडिट सिंह को किया हुआ था शिव कुमार ने और यहाँ पर आगे इस फिल्म के बारे में बात करें तो म्यूज़िक इस फिल्म को जो सॉन्ग्स वगैरह थे ना उसको तानिक भाची विशाल मिश्रा भी प्राक और यहाँ पर आदित्य देव जान स्टेर एदेो और यहाँ पर स्कोर जॉन जो कि स्टार्ट एवदे ने मिलकर जो कि म्यूजिक वगैरह दिया हुआ था तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ जो कि योद्धा का ट्रांसलेट किया जाए तो वॉरियर बनता है ये 2024 में इंडियन हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थे और इस उनका जो है एक्शन थ्रिलर और इसको राइट और डायरेक्ट किया है सागर अम्बरे ने और यहाँ पर पुष्कर ओझा ने विद प्रोड्यूस बाय जो कि हीरो याश जोहर ने और यहाँ पर करुण जौहर और यहाँ पर अपूर्वा मेहता द अंडर द बैनर धर्मा प्रोडक्शन जो कि कंपनी के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है स्टार कास्ट में देखने मिले हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा राशि खन्ना एंड दिशा पटानी और यहाँ पर जो कि बात करें अभी फिल्म के जो कि बात की जाए कुछ कास्ट और यहाँ पर सोनेडोग्राफी तो सिन्म की, की तो जिष्णु भट्ट भट्टाचार्य जो कि फिल्म की सोनेडोग्राफी की एडिट किया फिल्म के शिव कुमार वी पंकड़ ने और यहाँ पर जो कि बता दो आप इसको चूंकि प्रोडक्शन कंपनी की तो प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो कि अमेजोन एम जी स्टूडियोज धर्मा प्रोडक्शन मैंटो डिसकैंपल एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ए फिल्म है को रिलीज़ करवाया पंद्रह मार्च को टू में और का रनिंग टाइम था एक मिनट यानी दो घंटे दस मिनट और ये एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी पचपन करोड़ फिल्म का बजट था और अभी तक इस ने टोटली वर्ल्ड वाइडली सत्रह करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है और जिस तरह से ये फिल्म कलेक्शन कर रही है और ये फिल्म बॉक्स पर एक फ़्लॉप के ज़मरे में जा रही है जी हाँ सो फ्लॉप जा रही है लेकिन देखा जाए तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है और साथ ही यहाँ पर स्टोरी भी ठीक ठाक है लेकिन जो कि फिर से वही टिपिकल जो कि सीन रखे गए हैं जिस तरह से पाकिस्तान को जो कि फिर से पाकिस्तान को ट्रोल किया जाता है पाकिस्तान को दोषी ठहराया जाता है पाकिस्तान के ऊपर जो कि चीज़ें लिखाई जा सारा को इल्जाम लगाया जाता है वही सारा को टिपिकल स्टोरी जिसकी वजह से ये फिल्मी बॉक्सेस पर फ्लॉप रही जिस तरह से टाइगर्स जो कि मूवी थी लेकिन उसका जो कि लास्ट में जो सीन था ना वो भी ठीक था लेकिन इस फिल्म का कुछ ठीक ना होने की स्टोरी वजह से यह फिल्म बॉक्सेस पर फ्लॉप रह गई कास्ट की बात करें तो यहाँ पर सिद्धार्थ मरोजा मल्होत्रा जो ना इस फिल्म के अंदर अरुण कटियाल का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि आर्मी सोल्जर हैं और यहाँ पर राशि खन्ना जो कि प्रिया माधवा का रोल प्ले कर करे और यहाँ पर वो कटियाल अरुण की वाइफ है और यहाँ पर दिशा पटानी जो कि लैला खालिद का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर वो फ्लाइट अटेंडेंस है और यहाँ पर रौनित राय फिल्म के अंदर मेचर सुंदर कटियाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर तनुज वरुण इस फिल्म के अंदर समीर ख़ान का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर सन्नी हिंदूजा इस फिल्म के अंदर जलाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर कार्तिका जो कि भरद्वाज फिल्म के अंदर तानिया शर्मा का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर एमसी जो कि जहीर इस फिल्म के अंदर अनुज रेयर का रोल प्ले कर करे और यहाँ पर चैटर रंजन ट्रॉफी जो इस ढिंगरा का रोल प्ले कर यहाँ पर फरीदा पटेल फिल्म के अंदर जो कि मिसिस कटियाल का रोल प्ले कर रही है तो ये सारी कास्ट वगैरह है जो आप जिसको इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी और ये सारा कुछ कास्ट थी और यहाँ पर आप जिसको बता दूँ तो ये फिल्म बॉक्सेस पर वैसे तो फ्लॉप हो चुकी है अगर आप दोस्त सिद्धार्थ आनंद जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के डाई हार्ट फैन हो साथ ही उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस फिल्म को एक बार तो देख स सकते हो ये फिल्म अभी भी थिएटर में लगी हुई है तो जाके इस फिल्म को थिएटर में देख सकते हो बड़े बड़े स्क्रीन पर और बड़े पर्दे पर, पर इंजॉय कर सकते हो और अगर आप उसने देखा हुआ है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और वीडियो भी अच्छा लगा वीडियो को भी लाइक कर सकते हो इन फ्यूचर जब ये फिल्म ओ टी प्लेटफॉर्म पर आती है तो उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजमी चैनल को आप सुने सब्सक्राइब करके कर रखना है और यहाँ पर इस फिल्म यानी योद्धा मूवी की बात करें तो आप इसको बता दूँ योद्धा फिल्म जो कि एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी लेकिन यहाँ पर स्टोरी जो कि फिल्म की अच्छी ना होने की वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है फिर भी यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद के सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैंस के लिए उनकी ये फ़िल्म काफ़ी अच्छी उनको पसंद आएगी यहाँ पर हाई जैकिंग वाले सीन दिखाए गए हैं अगर आप तो उस हाई जैकिंग वाली मूवीज़ को पसंद करते हो तो ये फ़िल्म आपको देखनी चाहिए इस फिल्म को देख सकते हो तो ये फ़िल्म आपको थिएटर में देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जाके देख सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो और और अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में बता सकती हो इन फ्यूचर जैसे ओ टी टी ओ टी टी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अपडेट्स आती हैं या इस फिल्म यानी जो कि बात करें योद्धा मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करवाया जाता है तो वो भी अपडेट्स मिल जाएगी इसी चैनल पर तो लाजमी आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना ओपिनियन भी कम बॉक्स में बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर वेलकम बैक दी एन अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ जो कि ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई योद्धा मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा मूवी कैसी है ये फ़िल्म आपको कहाँ पे ऑफिशियली देखने को मिलेगी कैसे देख सकते हो उस फिल्म को और यहाँ पर इस फिल्म को तो ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिए गए कैसा रिस्पांस मिल रहा है वो भी बात करेंगे अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर योद्धा मूवी देखने के लिए आए हैं तो डिस्क्लेमर में बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको योद्धा मूवी देखने को नहीं मिलेगी इस फिल्म के अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और आप इसको ये भी बताया जाएगा कि ये फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकते हो और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पर ऑफिशली जा देख सकते हो और साथ ही फिल्म का रिव्यू किया जाने वाला है कैसी स्टोरी फिल्म की बॉक्स पर इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके ऊपर भी बात की जाएगी तो इंटरेस्टेड लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो वीडियो को और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें योद्धा मूवी की तो ये फिल्म 2024 में रिलीज की गई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जी हाँ सो एक्शन थ्रिलर फिल्म का जोनरा था और इस फिल्म को रनिंग टाइम दिया गया है दो घंटे तेरह मिनट का और एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी तो, तो यहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले कौन सी मूवी को डायरेक्ट किया है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर उससे इससे पहले उन्होंने सिर्फ एक फ़िल्म को डायरेक्ट किया है शायद शेर शाह मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं शेर शाह मूवी को डायरेक्ट ना किए भी शायद नहीं किया लेकिन उसी की टाइप की ये फ़िल्म है जिस तरह शेर शाह के अंदर यहाँ पर जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा तरह की जो एक्टिंग थी ना वो नेक्स्ट लेवल देखने को मिली थी इस फिल्म यानी योद्धा के अंदर भी उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म को टेन बाय सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली हुई है गूगल के ऊपर ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से और यहाँ पर फिल्म को पंद्रह मार्च को टू थाउजेंड ट्वेंटी में इन जो कि फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जो कि पैन इंडिया तो नहीं इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाया गया था और ये फ़िल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिला वो भी बात करते हैं तो यहाँ पर आप जिसको बता दूँ कि इस इनको टेन बाय सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली है नाइन्टी थ्री परसेंट गूगल के ऊपर लाइक भी मिल चुके हैं और यहाँ पर इस इसको जो कि पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर सागर अम्बरे ने मिलकर सिंह को डायरेक्ट किया हुआ था बजट इस सीम का पचपन करोड़ था और इस को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कर रही थी ए फिल्म और यहाँ पर एडिट सिम को किया हुआ था शिव कुमार ने और यहाँ पर आगे इस फिल्म के बारे में बात करें तो म्यूज़िक इस फिल्म को जो जो सॉन्ग्स वगैरह थे ना उसको तानिक भाची विशाल मिश्रा भी प्राक और यहाँ पर आदित्य देव जॉन स्टेर एदे और यहाँ पर स्कोर जॉन जो कि स्टार्ट एवेो ने मिलकर जो कि म्यूजिक वगैरह दिया हुआ था तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ जो कि योद्धा का ट्रांसलेट किया जाए तो वॉरियर बनता है ये 2024 में इंडियन हिंदी लैंग्वेज की फ़िल्म था और इसका जो का रहा है एक्शन थ्रिलर और इस को राइट डायरेक्ट किया है सागर अम्बरे ने और यहाँ पर पुष्कर ओझा ने विद प्रोड्यूस बाय जो कि याश जोहर ने और यहाँ पर करुण जौहर और यहाँ पर अपूर्वा मेहता द अंडर द बैनर धर्मा प्रोडक्शन जो कि कंपनी के थ्रू फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कास्ट में देखने मिले सिद्धार्थ मल्होत्रा राशि खन्ना एंड दिशा पटानी और यहाँ पर जो कि बात करें अभी फिल्म के जो कि बात की जाए कुछ कास्ट और यहाँ पर सोनेडोग्राफी तो की, की तो जिष्णु भट्ट भट्टाचार्य जो कि फिल्म की सोनेडोग्राफी की एडिट किया फिल्म के शिव कुमार वी पंकड़ ने और यहाँ पर जो कि बता दो आप इसको चूँकि प्रोडक्शन कंपनी की तो प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो कि अमेजोन एम जी स्टूडियोज धर्मा प्रोडक्शन मैंटो डिस्कम्पल एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ए फिल्म है इसम को रिलीज़ करवाया पंद्रह मार्च को टू में और फिल्म का रनिंग टाइम था एक मिनट यानी दो घंटे दस मिनट और ये एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी पचपन करोड़ फिल्म का बजट था और अभी तक इस फिल्म ने टोटली वर्ल्ड वाइडली सत्रह करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है और जिस तरह से ये फ़िल्म कलेक्शन कर रही है और ये फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप के ज़मरे में जा रही है जी हाँ सो फ्लॉप जा रही है लेकिन देखा जाए तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है और साथ ही यहाँ पर स्टोरी भी ठीक ठाक है लेकिन जो कि फिर से वही टिपिकल जो कि सीन रखे गए हैं जिस तरह से पाकिस्तान को जो कि फिर से पाकिस्तान को ट्रोल किया जाता है पाकिस्तान को दोषी ठहराया जाता है पाकिस्तान के ऊपर जो कि चीज़ें लिखाई जा सारा को इल्जाम लगाया जाता है वही सारा को टिपिकल स्टोरी जिसकी वजह से ये फिल्म भी बॉक्सेस पर फ्लॉप रही जिस तरह से टाइगर्स जो कि मूवी थी लेकिन उसका जो कि लास्ट में जो सीन था ना वो भी ठीक था लेकिन इस फिल्म का कुछ ठीक ना होने की स्टोरी वजह से यह फिल्म बॉक्स पर फ्लॉप रह गई कास्ट की बात करें तो यहाँ पर सिद्धार्थ मरो मल्होत्रा जो ना इस फिल्म के अंदर अरुण कटियाल का रोल प्ले करें जो कि आर्मी सोल्जर हैं और यहाँ पर राशि खन्ना जो कि प्रिया माधवा का रोल प्ले करें और यहाँ पर Uh, वो कटियाल अरुण की वाइफ है और यहाँ पर दिशा पठानी जो कि लैला खालिद का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर वो फ्लाइट अटेंडेंस है और यहाँ पर रौनित राय फिल्म के अंदर मेचर सुंदर कटियाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर तनुज वरुण इस फिल्म के अंदर समीर खान का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर सनी हिंदूजा इस फिल्म के अंदर जलाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर कार्तिका जो कि भरद्वाज फिल्म के अंदर तानिया शर्मा का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर एम सी जो कि जहीर इस फिल्म के अंदर अनुज अनुजरे का रोल प्ले करो और यहाँ पर चैटरंजन ट्रॉफी जो इस फिल्म के अंदर एस एन धि ढिंगरा का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर फरीदा पटेल फ़िल्म के अंदर जो कि मिसिस कटियाल का रोल प्ले कर रही है तो ये सारी कास्ट वगैरह है जो आप जिसको इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी और ये सारा कुछ कास्ट थी और यहाँ पर आप जिसको बता दूँ तो ये फिल्म बॉक्सेस पर वैसे तो फ्लॉप हो चुकी है अगर आप दोस्त सिद्धार्थ आनंद जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के डाई हार्ट फैन हो साथ ही उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस फिल्म को एक बार तो देख सी सकते हो ये फिल्म अभी भी थिएटर में लगी हुई है तो जाके इस फिल्म को थिएटर में देख सकते हो बड़े बड़े स्क्रीन पर और बड़े पर्दे पर, पर इंजॉय कर सकते हो और अगर आप उसने देखा हुआ है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और वीडियो भी अच्छा लगा वीडियो को भी लाइक कर सकते हो इन फ्यूचर जब भी ये फिल्म ओ टी प्लेटफॉर्म पर आती है तो उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजमी चैनल को आप सुने सब्सक्राइब करके कर रखना है और यहाँ पर इस फिल्म यानी योद्धा मूवी की बात करें तो आप इसको बता दूं योद्धा फिल्म जो कि एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी लेकिन यहां पर स्टोरी जो कि फिल्म की अच्छी ना होने की वजह से ये फिल्म ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है फिर भी यहां पर सिद्धार्थ आनंद के सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैंस के लिए उनकी ये फिल्म काफ़ी अच्छी उनको पसंद आएगी यहाँ पर हाई जैकिंग वाले सीन दिखाए गए हैं अगर आप तो उस हाई जैकिंग वाली मूवीज़ को पसंद करते हो तो ये फिल्म आपको देखनी चाहिए को देख सकते हो तो ये फिल्म आपको थिएटर में देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जाके देख सकती हो और इन्जॉय कर सकते हो और अपना ओपिनियन भी कन बॉक्स में बता सकती हो इन फ्यूचर जैसे ओ टी टी ओ टी टी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अपडेट्स आती हैं या इस फिल्म यानी जो कि बात करें योद्धा मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करवाया जाता है तो वो भी अपडेट्स मिल देंगी इसी चैनल पर तो लाजमी अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ जो कि ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई योद्धा मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा मूवी कैसी है ये फ़िल्म आपको कहाँ पे ऑफिशियली देखने को मिलेगी कैसे देख सकते हो उस फिल्म को और यहाँ पर इस फिल्म को तो ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया कैसा रिस्पांस मिल रहा है वो भी बात करेंगे अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर योद्धा मूवी देखने के लिए आए हैं तो डिस्क्लेमर में बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको योद्धा मूवी देखने को नहीं मिलेगी इस फिल्म के अन नाउन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और आप जिसको ये भी बताया जाएगा कि ये फ़िल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकती हो और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पर ऑफिशली जा देख सकते हो और साथ ही इस इम का रिव्यू किया जाने वाला है कैसी है स्टोरी फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके ऊपर भी बात की जाएगी तो इंटरेस्टिंग लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो वीडियो को और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो तो यहाँ पर हम तो सब बात करें योद्धा मूवी की तो ये फिल्म 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जी हाँ सो एक्शन थ्रिलर फिल्म का जोन रहा था और इस फिल्म को रनिंग टाइम दिया गया है दो घंटे तेरह मिनट का और ये एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी तो यहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले कौन सी मूवी को डायरेक्ट किया है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर उससे इससे पहले उन्होंने सिर्फ़ एक फ़िल्म को डायरेक्ट किया है शायद शेर शाह मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं शेर शाह मूवी को डायरेक्ट ना किए भी शायद नहीं किया लेकिन उसी की टाइप की ये फ़िल्म है जिस तरह शेर शाह के अंदर यहाँ पर जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा तरह की जो एक्टिंग थी ना वो नेक्स्ट लेवल देखने को मिली थी इस फिल्म यानी योद्धा के अंदर भी उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर फिल्म को टेन बाय सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली हुई है गूगल के ऊपर ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से और यहाँ पर फिल्म को पंद्रह मार्च को टू थाउजेंड ट्वेंटी में इन जो कि फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जो कि पैन इंडिया तो नहीं इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाया गया था और इस फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिला वो भी बात करते हैं तो यहाँ पर आप जिसको बता दूँ कि सिम को टेन बाई सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली है नाइन्टी थ्री परसेंट गूगल के ऊपर लाइक भी मिल चुके हैं और यहाँ पर सिन को जो कि पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर सागर अम्बे ने मिलकर सिंह को डायरेक्ट किया हुआ था बजट इसम का पचपन करोड़ था और इस सिंको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कर रही थी ए फिल्म और यहाँ पर एडि सिन को किया हुआ था शिव कुमार ने और यहाँ पर आगे इस फिल्म के बारे में बात करें तो म्यूज़िक इस फिल्म को जो सॉन्ग्स वगैरह थे ना उसको तानिक भाची विशाल मिश्रा भी प्राक और यहाँ पर आदित्य देव जॉन स्टेर एदे और यहाँ पर स्कोर जॉन जो कि स्टार्ट एवे ने मिलकर जो कि म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ जो कि योद्धा का ट्रांसलेट किया जाए तो वॉरियर बनता है ये 2024 में इंडियन हिंदी लैंग्वेज की फिल्म था और इसका जो है एक्शन थ्रिलर और इस को राइट और डायरेक्ट किया है सागर अम्बरे ने और यहाँ पर पुष्कर ओझा ने विद प्रोड्यूस बाय जो कि याश जोहर ने और यहाँ पर करण जौहर और यहाँ पर अपूर्वा मेहता द अंडर द बैनर धर्मा प्रोडक्शन जो कि कंपनी के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है स्टार कास्ट में देखने मिले सिद्धार्थ मल्होत्रा राशि खन्ना एंड दिशा पटानी और यहाँ पर जो कि बात करें अभी फिल्म के जो कि बात की जाए कुछ कास्ट और यहाँ पर सनेमेडोग्राफी तो भाट, सिन्म की, 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 की तो जिष्णु भट्ट भट्टाचार्य जो कि फिल्म की की एडिट किया फिल्म के शिव कुमार वी पंकड़ ने और यहाँ पर जो कि बता दूँ आप उसको चूँकि प्रोडक्शन कंपनी की तो प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो कि अमेजन एम जी स्टूडियोज धर्मा प्रोडक्शन मैंटो डिस्कम्पल एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ए फिल्म है को रिलीज़ करवाया पंद्रह मार्च को थाउजेंड में और का रनिंग टाइम था एक मिनट यानी दो घंटे दस मिनट और एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी पचपन करोड़ फिल्म का बजट था और अभी तक इस फिल्म ने टोटली वर्ल्ड वाइडली सत्रह करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है और जिस तरह से यह फिल्म कलेक्शन कर रही है और यह फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप के ज़मरे में जा रही है जी हाँ सो फ्लॉप जा रही है लेकिन देखा जाए तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है और साथ ही यहाँ पर स्टोरी भी ठीक ठाक है लेकिन जो कि फिर से वही टिपिकल जो कि सीन रखे गए हैं जिस तरह से पाकिस्तान को जो कि फिर से पाकिस्तान को ट्रोल किया जाता है पाकिस्तान को दोषी ठहराया जाता है पाकिस्तान को पर जो कि चीज़ें लिखाई जा सारा को इल्जाम लगाया जाता है वही सारा को टिपिकल स्टोरी जिसकी वजह से यह भी बॉक्सेस पर फ्लॉप रही जिस तरह से टाइगर्स जो कि मूवी थी लेकिन उसका जो कि लास्ट में जो सीन था ना वो भी ठीक था लेकिन इस फिल्म का कुछ ठीक ना होने की स्टोरी वजह से यह फिल्म बॉक्स पर फ्लॉप रह गई कास्ट की बात करें तो यहाँ पर सिद्धार्थ मरोचा मल्होत्रा जो ना इस फिल्म के अंदर अरुण कटियाल का रोल प्ले करें जो कि आर्म आर्मी सोल्जर हैं और यहाँ पर राशि खन्ना जो कि प्रिया माधवा का रोल प्ले करी और यहाँ पर आ, वो कटियाल अरुण की वाइफ है और यहाँ पर दिशा पटानी जो कि लैला खालिद का रोल प्ले कर रही यहाँ पर वो फ्लाइट अटेंडेंस है और यहाँ पर रौनित राय इस के अंदर मेचर सुंदर कटियाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर तनुज वरुण इस फिल्म के अंदर समीर खान का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर सन्नी हिंदुजा इस के अंदर जलाल का रोल प्ले कर, कर रहे हैं और यहाँ पर कार्तिका जो कि भरद्वाज तानिया शर्मा का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर एम फिल्म के अंदर अनुज रेयर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर चैटरंजन ट्रॉफी जो के एस एन ढिंगरा का रोल प्ले कर यहाँ पर फरीदा पटेल के अंदर जो कि मिसिस कटियाल का रोल प्ले कर रही है तो ये सारी कास्ट वगैरह है जो आप जिसको इस फिल्म के अंदर अपना रो, अपना रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी और ये सारा कुछ कास्ट थी और यहाँ पर आप जिसको बता दूँ तो ये फ़िल्म बॉक्सेस पर वैसे तो फ्लॉप हो चुकी है अगर आप दोस्त सिद्धार्थ आनंद जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के डाई हार्ट फैन हो साथ ही उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस फिल्म को एक बार तो देख स सकते हो ये फिल्म अभी भी थिएटर में लगी हुई है तो जाके इस फिल्म को थिएटर में देख सकते हो बड़े बड़े स्क्रीन पर और बड़े पर्दे पर इंजॉय कर सकते हो और अगर आप उसने देखा हुआ है ये फिल्म आपको कैसी लगी अपना ओपिनियन कमलॉस में बता सकते हो और वीडियो भी अच्छा लगा वीडियो को भी लाइक कर सकते हो इन फ्यूचर जब भी यह फिल्म ओ टी प्लेटफॉर्म पर आती है तो उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजमी चैनल को आप सुने सब्सक्राइब करके कर कर रखना है और यहाँ पर इस फिल्म यानी योद्धा मूवी की बात करें तो आप इसको बता दूँ योद्धा फ़िल्म जो कि एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी लेकिन यहाँ पर स्टोरी जो कि फिल्म की अच्छी ना होने की वजह से फिल्म बॉक्सेस पर फ्लॉप हो चुकी है फिर भी यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद के सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैंस के लिए उनकी ये फिल्म काफ़ी अच्छी उनको पसंद आएगी यहाँ पर हाई जैकिंग वाले सीन दिखाए गए हैं अगर आप दो हाई जैकिंग वाली मूवीज़ को पसंद करते हो तो ये फिल्म आपको देखनी चाहिए फिल्म को देख सकते हो तो ये फ़िल्म आपको थिएटर में देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जाके देख सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो और और अपना ओपिनियन भी कन बॉक्स में बता सकती हो इन फ्यूचर जैसे ओ टी टी ओ टी टी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अपडेट्स आती हैं या इस फिल्म यानी जो कि बात करें योद्धा मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करवाया जाता है तो वो भी अपडेट्स मिल जाएगी इसी चैनल पर तो लाजमी आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ जो कि ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई योद्धा मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा मूवी कैसी है ये फ़िल्म आपको कहाँ पे ऑफिशियली देखने को मिलेगी कैसे देख सकते हो इस फिल्म को और यहाँ पर इस फिल्म को तो ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया कैसा रिस्पांस मिल रहा है वो भी बात करेंगे अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर योद्धा मूवी देखने के लिए आए हैं तो डिस्क्लेमर में बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको योद्धा मूवी देखने को नहीं मिलेगी इस फिल्म के अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और आप उसको ये भी बताया जाएगा कि ये फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकते हो और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पर ऑफिशली जा देख सकते हो और साथ ही फिल्म का रिव्यू किया जाने वाला है कैसी है स्टोरी फिल्म की बॉक्स पर इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके ऊपर भी बात की जाएगी तो इंटरेस्टिंग लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो वीडियो को और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो तो यहाँ पर हम दो सब बात करें योद्धा मूवी की तो ये फिल्म 2024 में रिलीज की गई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जी हाँ सो एक्शन थ्रिलर फिल्म का जॉनरा था और इस फिल्म को रनिंग टाइम दिया गया है दो घंटे तेरह मिनट का और एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी तो यहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्ट की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले कौन सी मूवी को डायरेक्ट किया है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर उससे इससे पहले उन्होंने सिर्फ़ एक फ़िल्म को डायरेक्ट किया है शायद शेर शाह मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं शेर शाह मूवी को डायरेक्ट ना किए भी शायद नहीं किया लेकिन उसी की टाइप की ये फ़िल्म है जिस तरह शेर शाह के अंदर यहाँ पर जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा तरह की जो एक्टिंग थी ना वो नेक्स्ट लेवल देखने को मिली थी इस फिल्म यानी योद्धा के अंदर भी उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म को टेन बाय सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली हुई है गूगल के ऊपर ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से और यहाँ पर फिल्म को पंद्रह मार्च को टू थाउजेंड ट्वेंटी में इन जो कि फ़िल्म को रिलीज़ करवाया गया था जो कि पैन इंडिया तो नहीं इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाया गया था और इस फ़िल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिला वो भी बात करते हैं तो यहाँ पर आप जिसको बता दूँ कि इस इनको टेन बाई सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली है नाइन्टी थ्री परसेंट गूगल के ऊपर लाइक भी मिल चुके हैं और यहाँ पर इस फिल्म को जो कि पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर सागर अम्बरे ने मिलकर इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था बजट का पचपन करोड़ था और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कर रही थी ए फ्स और यहाँ पर एडि फिल्म को किया हुआ था शिव कुमार ने और यहाँ पर आगे इस फिल्म के बारे में बात करें तो म्यूज़िक इस फिल्म को जो सॉन्ग्स वगैरह थे ना उसको तानिक भाची विशाल मिश्रा भी प्राग और यहाँ पर आदित्य देव जॉन स्टेर एदेरे और यहाँ पर स्कोर जॉन जो कि स्टार्ट एवदे ने मिलकर जो कि म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ जो कि योद्धा का ट्रांसलेट किया जाए तो वॉरियर बनता है ये टू में इंडियन हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थे और इस उनका जो होना है एक्शन थ्रिलर और इसको राइट और डायरेक्ट किया है सागर अम्बरे ने और यहाँ पर पुष्कर ओझा ने विद प्रोडूस बाय जो कि याश जोहर ने और यहाँ पर करुण जोहर और यहाँ पर अपूर्वा मेहता द अंडर द बैनर धर्मा प्रोडक्शन जो कि कंपनी के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है स्टार कास्ट में देखने मिले हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा राशि खन्ना एंड दिशा पटानी और यहाँ पर जो कि बात करें अभी फिल्म के जो कि बात की जाए कुछ कास्ट और यहाँ पर सोनमोडोग्राफी तो सिन्म की, की, की तो जिष्णु भट्ट भट्टाचार्य जो कि फिल्म की की एडिट किया फिल्म के शिव कुमार भी पंकड़ ने और यहाँ पर जो कि बता दो आप इसको चूँकि प्रोडक्शन कंपनी की तो प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो कि अमेजोन एम जी स्टूडियोज धर्मा प्रोडक्शन मैंटो डिस्कम्पल एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ए फिल्म है इसम को रिलीज़ करवाया पंद्रह मार्च को टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में और का रनिंग टाइम था एक सौ तीस मिनट यानी दो घंटे दस मिनट और ये एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी पचपन करोड़ फिल्म का बजट था और अभी तक इस फिल्म ने टोटली वर्ल्ड वाइडली सत्रह करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है और जिस तरह से फिल्म कलेक्शन कर रही, और ये फिल्म पर एक के में जा रही है जी सो फ्लॉप जा रही है लेकिन देखा जाए तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग काफी अच्छी है और साथ ही यहाँ पर स्टोरी भी ठीक ठाक है लेकिन जो कि फिर से वही टिपिकल जो कि सीन रखे गए हैं जिस तरह से पाकिस्तान को जो कि फिर से पाकिस्तान को ट्रोल किया जाता है पाकिस्तान को दोषी ठहराया जाता है पाकिस्तान को के ऊपर जो कि चीज़ें लिखाई सारा को इल्ज़ाम लगाया जाता है वही सारा को टिपिकल स्टोरी जिसकी वजह से यह फिल्म भी बॉक्सेस पर फ्लॉप रही जिस तरह से टाइगर्स जो कि मूवी थी लेकिन उसका जो कि लास्ट में जो सीन था ना वो भी ठीक था लेकिन इस फिल्म का कुछ ठीक ना होने की स्टोरी वजह से यह फिल्म बॉक्सेस पर फ्लॉप रह गई कास्ट की बात करें तो यहाँ पर सिद्धार्थ मरो मल्होत्रा जो ना इस फिल्म के अंदर अरुण कटियाल का रोल प्ले करें जो कि आर्म आर्मी, आर्मी सोल्जर हैं और यहाँ पर राशि खन्ना जो कि प्रिया माधवा का रोल प्ले करें और यहाँ पर वो कटियाल अरुण की वाइफ है और यहाँ पर दिशा पठानी जो कि लैला खालिद का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर वो फ्लाइट अटेंडेंस है और यहाँ पर रौनित राय सुन के अंदर मेचर सुंदर कटियाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर तनुज वरुण इस फिल्म के अंदर समीर ख़ान का रोल प्ले कर करो और यहाँ पर सन्नी हिंदुजा फिल्म के अंदर जलाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर कार्तिका जो कि भरद्वाज फिल्म के अंदर तानिया शर्मा का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर एमसी जो कि जहीर इस फिल्म के अंदर अनुज रेयर का रोल प्ले कर रहे और यहाँ पर चतर रंजन ट्रॉफी जो इस अंदर एस एन धि ढिंगरा का रोल प्ले कर यहाँ पर फ़रीदा पटेल फ़िल्म के अंदर जो कि मिसिस कटियाल का रोल प्ले कर रही है तो ये सारी कास्ट वगैरह है जो आप जिसको इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी और ये सारा कुछ कास्ट थी और यहाँ पर आप जिसको बता दूँ तो ये फिल्म बॉक्सेस पर वैसे तो फ्लॉप हो चुकी है अगर आप दोस्त सिद्धार्थ आनंद जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के डाई हार्ट फैन हो साथ ही उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस फिल्म को एक बार तो देख सी सकते हो यह फिल्म अभी भी थिएटर में लगी हुई है तो जाके इस फिल्म को थिएटर में देख सकते हो बड़े बड़े स्क्रीन पर और बड़े पर्दे पर, पर इंजॉय कर सकते हो और अगर आप उसने देखा हुआ है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी अपना ओपिनियन कम लॉस में बता सकते हो और वीडियो भी अच्छा लगा वीडियो को भी लाइक कर सकते हो इन फ्यूचर जब भी ये फिल्म ओ टी प्लेटफॉर्म पर आती है तो उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजमी चैनल को आप सुने सब्सक्राइब करके कर रखना है और यहाँ पर इस फिल्म यानी योद्धा मूवी की बात करें तो आप इसको बता दूं योद्धा फिल्म जो कि एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी लेकिन यहां पर स्टोरी जो कि फिल्म की अच्छी ना होने की वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है फिर भी यहां पर सिद्धार्थ आनंद के सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैंस के लिए उनकी ये फिल्म काफ़ी अच्छी उनको पसंद आएगी यहाँ पर हाई वाले सीन दिखाए गए हैं अगर आप तो उस हाई वाली मूवीज़ को पसंद करते हो तो ये फिल्म आपको देखनी चाहिए इस फिल्म को देख सकती हो तो ये फ़िल्म आपको थिएटर में देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जाके देख सकती हो और इन्जॉय कर सकती हो और अपना ओपिनियन भी कम बॉक्स में बता सकती हो इन फ्यूचर जैसे ओ टी टी ओ टी टी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अपडेट्स आती हैं या इस फिल्म यानी जो कि बात करें योद्धा मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया जाता है तो वो भी अपडेट्स मिल जाएगी इसी चैनल पर तो लाजमी आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ जो कि ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई योद्धा मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा की फ़िल्म योद्धा मूवी कैसी है ये फिल्म आपको कहाँ पे ऑफिशियली देखने को मिलेगी कैसे देख सकते हो इस फिल्म को और यहाँ पर इस फिल्म को तो ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिए गए कैसा रिस्पांस मिल रहा है वो भी बात करेंगे अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर योद्धा मूवी देखने के लिए आए हैं तो डिस्क्लेमर में बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको योद्धा मूवी देखने को नहीं मिलेगी इस फिल्म के अन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और आप जिसको ये भी बताया जाएगा कि ये फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकती हो और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पर ऑफिशली जा देख सकते हो और साथ ही इस इलम का रिव्यू किया जाने वाला है कैसी स्टोरी फिल्म की बॉक्स पर इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके ऊपर भी बात की जाएगी तो इंटरेस्टेड लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो वीडियो को और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें योद्धा मूवी की तो ये फिल्म 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जी हाँ सो एक्शन थ्रिलर फिल्म का जोनरा था और फिल्म को रनिंग टाइम दिया गया है दो घंटे तेरह मिनट का और ये एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी तो यहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले कौन सी मूवी को डायरेक्ट किया है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर उससे इस इससे पहले उन्होंने सिर्फ़ एक फ़िल्म को डायरेक्ट किया है शायद शेर शाह मूवी को डायरेक्ट कर चुके है। शेर हैं शेर शाह मूवी को डायरेक्ट ना किए भी शायद नहीं किया लेकिन उसी की टाइप की ये फ़िल्म है जिस तरह शेर शाह के अंदर यहाँ पर जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा तरह की जो एक्टिंग थी ना वो नेक्स्ट लेवल देखने को मिली थी इस फिल्म यानी योद्धा के अंदर भी उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म को टेन बाय सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली हुई है गूगल के ऊपर ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से और यहाँ पर फिल्म को पंद्रह मार्च को टू थाउजेंड ट्वेंटी में इन जो कि फ़िल्म को रिलीज़ करवाया गया था जो कि पैन इंडिया तो नहीं इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाया गया था और इस फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिला वो भी बात करते हैं तो यहाँ पर आप जिसको बता दूँ कि सिम को टेन बाय सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली और नाइन्टी थ्री परसेंट गूगल के ऊपर लाइक भी मिल चुके हैं और यहाँ पर इस सिन को जो कि पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर सागर अम्बरे ने मिलकर को डायरेक्ट किया हुआ था बजट इस सिम का पचपन करोड़ था और सिम को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कर रही थी ए फिल्म और यहाँ पर एडि सिन को किया हुआ था शिव कुमार ने और यहाँ पर आगे इस फिल्म के बारे में बात करें तो म्यूज़िक इस फिल्म को जो जो सॉन्ग्स वगैरह थे ना उसको तानिक भाची विशाल मिश्रा भी प्राक और यहाँ पर आदित्य देव जॉन स्टेर एदेो और यहाँ पर स्कोर जॉन जो कि स्टार्ट एवे ने मिलकर जो कि म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ जो कि योद्धा का ट्रांसलेट किया जाए तो वॉरियर बनता है ये 2024 में इंडियन हिंदी लैंग्वेज की फिल्म था और फिल्म का जो है एक्शन थ्रिलर और सुन को राइट और डायरेक्ट किया है सागर अम्बरे ने और यहाँ पर पुष्कर ओझा ने विद प्रोड्यूस बाय जो कि याश जोहर ने और यहाँ पर करण जौहर और यहाँ पर अपूर्वा मेहता द अंडर द बैनर धर्मा प्रोडक्शन जो कि कंपनी के, के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है स्टार कास्ट में देखने मिले सिद्धार्थ मल्होत्रा राशि खन्ना एंड दिशा भटानी और यहाँ पर जो कि बात करें अभी फिल्म के जो कि बात की जाए कुछ कास्ट और यहाँ पर सन्मोडोग्राफी तो सिन्म की, 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 की तो जिष्णु भट्ट भट्टाचार्य जो कि फिल्म की सीनमोडोग्राफी की एडिट किया फिल्म के शिव कुमार वी पंकड़ ने और यहाँ पर जो कि बता दूँ आपको चूँकि प्रोडक्शन कंपनी की तो प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो कि अमेजोन एम जी स्टूडियोज धर्मा प्रोडक्शन मैंटो डिस्कैंपल एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ए फिल्म है इसम को रिलीज़ करवाया पंद्रह मार्च टू थाउजेंड में और का रनिंग टाइम था एक मिनट यानी दो घंटे दस मिनट और ये एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी बचपन करोड़ फिल्म का बजट था और अभी तक फिल्म ने टोटली वर्ल्ड वाइडली सत्रह करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है और जिस तरह से यह फिल्म कलेक्शन कर रही है और यह फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप के जमरे में जा रही है जी हाँ सो फ्लॉप जा रही है लेकिन देखा जाए तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है और साथ ही यहाँ पर स्टोरी भी ठीक ठाक है लेकिन जो कि फिर से वही टिपिकल जो कि सीन रखे गए हैं जिस तरह से पाकिस्तान को जो कि फिर से पाकिस्तान को ट्रोल किया जाता है पाकिस्तान को दोषी ठहराया जाता है पाकिस्तान के पर जो कि चीज़ें लिखाई जा सारा को इल्जाम लगाया जाता है वही सारा को टिपिकल स्टोरीज़ जिसकी वजह से यह फिल्म भी बॉक्सेस पर फ्लॉप रही जिस तरह से टाइगर्स जो कि मूवी थी लेकिन उसका जो कि लास्ट में जो सीन था ना वो भी ठीक था लेकिन इस फिल्म का कुछ ठीक ना होने की स्टोरी वजह से यह फिल्म बॉक्स पर फ्लॉप रह गई कास्ट की बात करें तो यहाँ पर सिद्धार्थ मरोचा मल्होत्रा जो ना इस फिल्म के अंदर अरुण कटियाल का रोल प्ले करें जो कि आर्मी सोल्जर हैं और यहाँ पर राशि खन्ना जो कि प्रिया माधवा का रोल प्ले करें और यहाँ पर वो कटियाल अरुण की वाइफ है और यहाँ पर दिशा पठानी जो कि लैला खालिद का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर वो फ्लाइट अटेंडेंस है और यहाँ पर रौनित राय फिल्म के अंदर मेचर सुंदर कटियाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर तनुज वरुण इस फिल्म के अंदर समीर खान का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर सन्नी हिंदूजा इस फिल्म के अंदर जलाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर कार्तिका जो कि भरद्वाज फिल्म के अंदर तानिया शर्मा का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर एमसी जो कि जहीर इस फिल्म के अंदर अनुज रेयर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर चैटरंजन ट्राफी फी जो फिल्म के अंदर एस एन ढिंगरा का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर फरीदा पटेल फिल्म के अंदर जो कि मिसिस कटियाल का रोल प्ले कर रही है तो ये सारी कास्ट वगैरह है जो आप जिसको इस फिल्म के अंदर अपना रो, अपना रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी और ये सारा कुछ कास्ट थी और यहाँ पर आप जिसको बता दूँ तो ये फिल्म बॉक्सेस पर वैसे तो फ्लॉप हो चुकी है अगर आप दोस्त सिद्धार्थ आनंद जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के डाई हार्ट फैन हो साथ ही उनकी मूवीस को देखना पसंद करते हो तो इस फिल्म को एक बार तो देख स ही सकते हो ये फिल्म अभी भी थिएटर में लगी हुई है तो जाके इस फिल्म को थिएटर में देख सकते हो बड़े बड़े स्क्रीन पर और बड़े पर्दे पर इंजॉय कर सकते हो और अगर आप उसने देखा हुआ है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी अपना ओपिनियन बॉक्स में बता सकते हो और वीडियो भी अच्छा लगा वीडियो को भी लाइक कर सकते हो इन फ्यूचर जब भी ये फिल्म ओ टी प्लेटफॉर्म पर आती है तो उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजमी चैनल को आप सुने सब्सक्राइब करके कर कर रखना है और यहाँ पर इस फिल्म यानी योद्धा मूवी की बात करें तो आप इसको बता दूं योद्धा फिल्म जो कि एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी लेकिन यहां पर स्टोरी जो कि फिल्म की अच्छी ना होने की वजह से ये फिल्म ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है फिर भी यहां पर सिद्धार्थ आनंद के सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैंस के लिए उनकी ये फ़िल्म काफ़ी अच्छी उनको पसंद आएगी यहाँ पर हाई जैकिंग वाले सीन दिखाए गए हैं अगर आप तो उस हाई जैकिंग वाली मूवीज़ को पसंद करते हो तो ये फ़िल्म आपको देखनी चाहिए इस फिल्म को देख सकते हो तो ये फिल्म आपको थिएटर में देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जाके देख सकती हो और इन्जॉय कर सकते हो और अपना ओपिनियन भी कंटबॉक्स में बता सकते हो इन फ्यूचर जैसे ओ टी टी ओ टी टी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अपडेट्स आती हैं या इस फिल्म यानी जो कि बात करें योद्धा मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया जाता है तो वो भी अपडेट्स मिल जाएगी इसी चैनल पर तो लाजमी अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर वेलकम बैक दी एन अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ जो कि ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई योद्धा मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा मूवी कैसी है ये फ़िल्म आपको कहाँ पे ऑफिशियली देखने को मिलेगी कैसे देख सकते हो इस फिल्म को और यहाँ पर इस फिल्म को तो ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया कैसा रिस्पांस मिल रहा है वो भी बात करेंगे अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर योद्धा मूवी देखने के लिए आए हैं तो डिस्क्लेमर में बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको योद्धा मूवी देखने को नहीं मिलेगी इस फिल्म के अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और आप उसको ये भी बताया जाएगा कि ये फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकती हो और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पर ऑफिशली जा देख सकते हो और साथ ही इस फिल्म का रिव्यू किया जाने वाला है कैसी स्टोरी फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके ऊपर भी बात की जाएगी तो इंटरेस्टिंग लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो वीडियो को और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो तो यहाँ पर हम दो सब बात करें योद्धा मूवी की तो ये फिल्म 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जी हाँ सो एक्शन थ्रिलर फिल्म का जोन रहा था और इस फिल्म को रनिंग टाइम दिया गया है दो घंटे तेरह मिनट का और ये एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी तो यहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले कौन सी मूवी को डायरेक्ट किया है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर उससे इससे पहले उन्होंने सिर्फ़ एक फ़िल्म को डायरेक्ट किया है शायद शेर शाह मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं शेर शाह मूवी को डायरेक्ट ना किए भी शायद नहीं किया लेकिन उसी की टाइप की ये फ़िल्म है जिस तरह शेर शाह के अंदर यहाँ पर जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा तरह की जो एक्टिंग थी ना वो नेक्स्ट लेवल देखने को मिली थी इस फिल्म यानी योद्धा के अंदर भी उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म को टेन बाय सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली हुई है गूगल के ऊपर ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से और यहाँ पर फिल्म को पंद्रह मार्च को टू थाउजेंड ट्वेंटी में इन जो कि फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जो कि पैन इंडिया तो नहीं इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाया गया था और इस फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिला वो भी बात करते हैं तो यहाँ पर आप जिसको बता दूँ कि सिोको टेन बाई सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली है नाइन्टी थ्री परसेंट गूगल के ऊपर लाइक भी मिल चुके हैं और यहाँ पर इस सिन को जो कि पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर सागर अम्बरे ने मिलकर सिंह को डायरेक्ट किया हुआ था बजट फिल्म का पचपन करोड़ था और को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कर रही थी ए फ्स और यहाँ पर एडिट सिन को किया हुआ था शिव कुमार ने और यहाँ पर आगे इस फिल्म के बारे में बात करें तो म्यूज़िक इस फिल्म को जो सॉन्ग्स वगैरह थे ना उसको तानिक भाची विशाल मिश्रा भी प्राक और यहाँ पर आदित्य देव जॉन स्टर एदे और यहाँ पर स्कोर जॉन जो कि स्टार्ट एवेरू ने मिलकर जो कि म्यूजिक वगैरह दिया हुआ था तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ जो कि योद्धा का ट्रांसलेट किया जाए तो वॉरियर बनता है ये 2024 में इंडियन हिंदी लैंग्वेज की फिल्म था और इस का जो है एक्शन थ्रिलर और इस को राइट और डायरेक्ट किया है सागर अम्बरे ने और यहाँ पर पुष्कर ओझा ने विद प्रोड्यूस बाय जो कि याश जोहर ने और यहाँ पर करुण जौहर और यहाँ पर अपूर्वा मेहता द अंडर द बैनर धर्मा प्रोडक्शन जो कि कंपनी के, के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है स्टार कास्ट में देखने मिले सिद्धार्थ मल्होत्रा राशि खन्ना एंड दिशा पटानी और यहाँ पर जो कि बात करें अभी इस के जो कि बात की जाए कुछ कास्ट और यहाँ पर सोनेडोग्राफी तो सिन्म की, की, की तो जिष्णु भट्ट भट्टाचार्य जो कि फिल्म की सोनेडोग्राफी की एडिट किया फिल्म के शिव कुमार वी पंकड़ ने और यहाँ पर जो कि बता दो आप इसको चूंकि प्रोडक्शन कंपनी की तो प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो कि अमेजोन एम जी स्टूडियोज धर्मा प्रोडक्शन मेन्टो डिस्कैंपल एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ए फिल्म है को रिलीज़ करवाया पंद्रह मार्च को टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में और इनका रनिंग टाइम था एक मिनट यानी दो घंटे दस मिनट और ये एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी पचपन करोड़ फिल्म का बजट था और अभी तक इस फिल्म ने टोटली वर्ल्ड वाइडली सत्रह करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है और जिस तरह से यह फिल्म कलेक्शन कर रही है और यह फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप के ज़मरे में जा रही है जी हाँ सो फ्लॉप जा रही है लेकिन देखा जाए तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है और साथ ही यहाँ पर स्टोरी भी ठीक ठाक है लेकिन जो कि फिर से वही टिपिकल जो कि सीन रखे गए हैं जिस तरह से पाकिस्तान को जो कि फिर से पाकिस्तान को ट्रोल किया जाता है पाकिस्तान को दोषी ठहराया जाता है पाकिस्तान को के ऊपर जो कि चीज़ें लिखाई सारा को इल्जाम लगाया जाता है वही सारा को टिपिकल स्टोरी जिसकी वजह से यह भी बॉक्सेस पर फ्लॉप रही जिस तरह से टाइगर्स जो कि मूवी थी लेकिन उसका जो कि लास्ट में जो सीन था ना वो भी ठीक था लेकिन इस फिल्म का कुछ ठीक ना होने की स्टोरी वजह से यह फिल्म बॉक्सेस पर फ्लॉप रह गई कास्ट की बात करें तो यहाँ पर सिद्धार्थ मरोजा मल्होत्रा जो ना इस फिल्म के अंदर अरुण कटियाल का रोल प्ले करें जो कि आर्म आर्मी सोल्जर हैं और यहाँ पर राशि खन्ना जो कि प्रिया माधवा का रोल प्ले करे और यहाँ पर वो कटियाल अरुण की वाइफ है और यहाँ पर दिशा पटानी जो कि लैला खालिद का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर वो फ्लाइट अटेंडेंस है और यहाँ पर रौनित राय सिंह के अंदर मेचर सुंदर कटियाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर तनुज वरुण इस फिल्म के अंदर समीर खान का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर सन्नी हिंदूजा इस फिल्म के अंदर जलाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर कार्तिका जो कि भरद्वाज फिल्म के अंदर तानिया शर्मा का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर एम सी जो कि जहीर इस फिल्म के अंदर अनुज रेयर का रोल प्ले करो और यहाँ पर चैटरंजन ट्रॉफी जो इस फिल्म के अंदर एस एन धि ढिंगरा का रोल प्ले कर है यहाँ पर, पर फरीदा पटेल फिल्म के अंदर जो कि मिसिस कटियाल का रोल प्ले कर रही है तो ये सारी कास्ट वगैरह है जो आप जिसको इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी और ये सारा कुछ कास्ट थी और यहाँ पर आप जिसको बता दूँ तो ये फिल्म बॉक्सेस पर वैसे तो फ्लॉप हो चुकी है अगर आप दोस्त सिद्धार्थ आनंद जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के डाई हार्ट फैन हो साथ ही उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस फिल्म को एक बार तो देख स सकते हो ये फिल्म अभी भी थिएटर में लगी हुई है तो जाके इस फिल्म को थिएटर में देख सकते हो बड़े बड़े स्क्रीन पर और बड़े पर्दे पर, पर इंजॉय कर सकते हो और अगर आप उसने देखा हुआ है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और वीडियो भी अच्छा लगा वीडियो को भी लाइक कर सकते हो इन फ्यूचर जब यह फिल्म ओ टी प्लेटफॉर्म पर आती है तो उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजमी चैनल को आप सुने सब्सक्राइब करके कर रखना है और यहाँ पर इस फिल्म यानी योद्धा मूवी की बात करें तो आप इसको बता दूँ योद्धा फिल्म जो कि एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी लेकिन यहाँ पर स्टोरी जो कि फिल्म की अच्छी ना होने की वजह से ये फिल्म ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है फिर भी यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद के सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैंस के लिए उनकी ये फिल्म काफ़ी अच्छी उनको पसंद आएगी यहाँ पर हाई जैकिंग वाले सीन दिखाए गए हैं अगर आप दो हाई जैकिंग वाली मूवीज़ को पसंद करते हो तो ये फिल्म आपको देखनी चाहिए फिल्म को देख सकते हो तो ये फिल्म आपको थिएटर में देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जाके देख सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो और अपना ओपिनियन भी बॉस में बता सकते हो इन फ्यूचर जैसे ओ टी टी ओ टी टी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अपडेट्स आती हैं या इस फिल्म यानी जो कि बात करें योद्धा मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करवाया जाता है तो वो भी अपडेट्स मिल जाएगी इसी चैनल पर तो लाजमी आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर वेलकम बैक दी एन अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ जो कि ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई योद्धा मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा मूवी कैसी है ये फ़िल्म आपको कहाँ पे ऑफिशियली देखने को मिलेगी कैसे देख सकते हो उस फिल्म को और यहाँ पर इस फिल्म को तो ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिए गए कैसा रिस्पांस मिल रहा है वो भी बात करेंगे अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर योद्धा मूवी देखने के लिए आए हैं तो डिस्क्लेमर में बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको योद्धा मूवी देखने को नहीं मिलेगी इस फिल्म के अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और आप उसको ये भी बताया जाएगा कि ये फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकते हो और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पर ऑफिशली जा देख सकते हो और साथ ही फिल्म का रिव्यू किया जाने वाला है कैसी स्टोरी फिल्म की बॉक्स पर इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके ऊपर भी बात की जाएगी तो इंटरेस्टेड लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो वीडियो को और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें योद्धा मूवी की तो ये फिल्म 2024 में रिलीज की गई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जी हाँ सो एक्शन थ्रिलर फिल्म का जोन रहा था और इस फिल्म को रनिंग टाइम दिया गया है दो घंटे तेरह मिनट का और हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी तो यहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्ट की बात करें तो फिल्म को डायरेक्ट किया है पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले कौन सी मूवी को डायरेक्ट किया है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर उससे इससे पहले उन्होंने सिर्फ एक फ़िल्म को डायरेक्ट किया है शायद शेर शाह मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं शेर शाह मूवी को डायरेक्ट ना किए भी शायद नहीं किया लेकिन उसी की टाइप की ये फ़िल्म है जिस तरह शेर शाह के अंदर यहाँ पर जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा तरह की जो एक्टिंग थी ना वो नेक्स्ट लेवल देखने को मिली थी इस फिल्म यानी योद्धा के अंदर भी उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म को टेन बाय सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली हुई है गूगल के ऊपर ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से और यहाँ पर फिल्म को पंद्रह मार्च को टू थाउजेंड ट्वेंटी में इन जो कि फ़िल्म को रिलीज़ करवाया गया था जो कि पैन इंडिया तो नहीं इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाया गया था और ये फ़िल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिला वो भी बात करते हैं तो यहाँ पर आप जिसको बता दूँ कि इस इनको टेन बाय सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली है नाइन्टी थ्री परसेंट गूगल के ऊपर लाइक भी मिल चुके हैं और यहाँ पर इस फिल्म को जो कि पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर सागर अम्बरे ने मिलकर इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था बजट इस फिल्म का पचपन करोड़ था और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कर रही थी ए फिल्म और यहाँ पर एडिट फिल्म को किया हुआ था शिव कुमार ने और यहाँ पर आगे इस फिल्म के बारे में बात करें तो म्यूज़िक इस फिल्म को जो सॉन्ग्स वगैरह थे ना उसको तानिक भाची विशाल मिश्रा भी प्राग और यहाँ पर आदित्य देव जॉन स्टेर एदे और यहाँ पर स्कोर जॉन जो कि स्टार्ट एवेो ने मिलकर जो कि म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ जो कि योद्धा का ट्रांसलेट किया जाए तो वॉरियर बनता है ये 2024 में इंडियन हिंदी लैंग्वेज की फ़िल्म था और इसका जो का रहा है एक्शन थ्रिलर और इस को राइट और डायरेक्ट किया है सागर अम्बरे ने और यहाँ पर पुष्कर ओझा ने विद प्रोड्यूस बाय जो कि याश जोहर ने और यहाँ पर करुण जौहर और यहाँ पर अपूर्वा मेहता द अंडर द बैनर धर्मा प्रोडक्शन जो कि कंपनी के थ्रू फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है स्टार कास्ट में देखने मिले सिद्धार्थ मल्होत्रा राशि खन्ना एंड दिशा पटानी और यहाँ पर जो कि बात करें अभी फिल्म के जो कि बात की जाए कुछ कास्ट और यहाँ पर सोनेडोग्राफी तो की, की तो जिष्णु भट्ट भट्टाचार्य जो कि फिल्म की सोनेडोग्राफी की एडिट किया फिल्म के शिव कुमार भी पंकड़ ने और यहाँ पर जो कि बता दूँ आप उसको चूँकि प्रोडक्शन कंपनी की तो प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो कि अमेजो एम जी स्टूडियोज धर्मा प्रोडक्शन मैंटो डिस्कम्पल एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ए फिल्म है को रिलीज़ करवाया पंद्रह मार्च को टू में और फिल्म का रनिंग टाइम था एक मिनट यानी दो घंटे दस मिनट और ये एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी पचपन करोड़ फिल्म का बजट था और अभी तक इस फिल्म ने टोटली वर्ल्ड वाइडली सत्रह करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है और जिस तरह से ये फ़िल्म कलेक्शन कर रही है और ये फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप के ज़मरे में जा रही है जी हाँ सो फ्लॉप जा रही है लेकिन देखा जाए तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है और साथ ही यहाँ पर स्टोरी भी ठीक ठाक है लेकिन जो कि फिर से वही टिपिकल जो कि सीन रखे गए हैं जिस तरह से पाकिस्तान को जो कि फिर से पाकिस्तान को ट्रोल किया जाता है पाकिस्तान को दोषी ठहराया जाता है पाकिस्तान के ऊपर जो कि चीज़ें लिखाई जा सारा को इल्जाम लगाया जाता है वही सारा को टिपिकल स्टोरी जिसकी वजह से ये फिल्म भी बॉक्सेस पर फ्लॉप रही जिस तरह से टाइगर्स जो कि मूवी थी लेकिन उसका जो कि लास्ट में जो सीन था ना वो भी ठीक था लेकिन इस फिल्म का कुछ ठीक ना होने की स्टोरी वजह से यह फिल्म बॉक्सेस पर फ्लॉप रह गई कास्ट की बात करें तो यहाँ पर सिद्धार्थ मरोजा मल्होत्रा जो ना फिल्म के अंदर अरुण कटियाल का रोल प्ले करें जो कि आम आर्मी सोल्जर हैं और यहाँ पर राशि खन्ना जो कि प्रिया मावा माधवा का रोल प्ले कर और यहाँ पर आ, वो कटियाल अरुण की वाइफ है और यहाँ पर दिशा पटानी जो कि लैला खालिद का रोल प्ले कर रही है पर वो फ्लाइट अटेंडेंस है और यहाँ पर रौनित राय फिल्म के अंदर मेचर सुंदर कटियाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर तनुज वरुण इस फिल्म के अंदर समीर खान का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर सनी हिंदुजा इस फिल्म के अंदर जलाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर कार्तिका जो कि भरद्वाज इस फिल्म के अंदर तानिया शर्मा का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर एम सी जो कि जहीर इस फिल्म के अंदर अनुज रेयर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर चैटर रंजन ट्रॉफ़ी जो इस फिल्म के अंदर एस एन धि ढिंगरा का रोल प्ले कर करी यहाँ पर फ़रीदा पटेल फिल्म के अंदर जो कि मिसिस कटियाल का रोल प्ले कर रही है तो ये सारी कास्ट वगैरह है जो आप जिसको इस फिल्म के अंदर अपना रो, अपना रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी और ये सारा कुछ कास्ट थी और यहाँ पर आप जिसको बता दूँ तो ये फिल्म बॉक्सेस पर वैसे तो फ्लॉप हो चुकी है अगर आप दोस्त सिद्धार्थ आनंद जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के डाई हार्ट फैन हो साथ ही उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस फिल्म को एक बार तो देख सी सकते हो ये फिल्म अभी भी थिएटर में लगी हुई है तो जाके इस फिल्म को थिएटर में देख सकते हो बड़े बड़े स्क्रीन पर और बड़े पर्दे पर, पर इंजॉय कर सकते हो और अगर आप उसने देखा हुआ है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और वीडियो भी अच्छा लगा वीडियो को भी लाइक कर सकते हो इन फ्यूचर जब ये फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आती है तो उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजमी चैनल को आप सुने सब्सक्राइब करके कर रखना है और यहाँ पर इस फिल्म यानी योद्धा मूवी की बात करें तो आप इसको बता दूं योद्धा फिल्म जो कि एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी लेकिन यहां पर स्टोरी जो कि फिल्म की अच्छी ना होने की वजह से ये फिल्म ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है फिर भी यहां पर सिद्धार्थ आनंद के सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैंस के लिए उनकी ये फिल्म काफ़ी अच्छी उनको पसंद आएगी यहाँ पर हाई जैकिंग वाले सीन दिखाए गए हैं अगर आप तो उस हाई जैकिंग वाली मूवीज़ को पसंद करते हो तो ये फिल्म आपको देखनी चाहिए को देख सकते हो तो ये फिल्म आपको थिएटर में देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जाके देख सकती हो और इन्जॉय कर सकते हो और तो अपना ओपिनियन भी कन बॉक्स में बता सकती हो इन फ्यूचर जैसे ओ टी टी ओ टी टी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अपडेट्स आती हैं या इस फिल्म यानी जो कि बात करें योद्धा मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करवाया जाता है तो वो भी अपडेट्स मिल देंगी इसी चैनल पर तो लाजमी अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर वेलकम बैक दी एन अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ जो कि ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई योद्धा मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा मूवी कैसी है ये फ़िल्म आपको कहाँ पे ऑफिशियली देखने को मिलेगी कैसे देख सकते हो उस फिल्म को और यहाँ पर इस फिल्म को तो ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया कैसा रिस्पांस मिल रहा है वो भी बात करेंगे अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर योद्धा मूवी देखने के लिए आए हैं तो डिस्क्लेमर में बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको योद्धा मूवी देखने को नहीं मिलेगी इस फिल्म के अन नौन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और आप जिसको ये भी बताया जाएगा कि ये फ़िल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकती हो और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पर ऑफिशली जा देख सकती हो और साथ ही इस इम का रिव्यू किया जाने वाला है कैसी है स्टोरी फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके ऊपर भी बात की जाएगी तो इंटरेस्टिंग लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो वीडियो को और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो तो यहाँ पर हम तो सब बात करें योद्धा मूवी की तो ये फिल्म 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जी हाँ सो एक्शन थ्रिलर फिल्म का जोन रहा था और इस फिल्म को रनिंग टाइम दिया गया है दो घंटे तेरह मिनट का और ये एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी तो यहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो कर इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले कौन सी मूवी को डायरेक्ट किया है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर उससे इससे पहले उन्होंने सिर्फ़ एक फ़िल्म को डायरेक्ट किया है शायद शेर शाह मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं शेर शाह मूवी को डायरेक्ट ना किए भी शायद नहीं किया लेकिन उसी की टाइप की ये फ़िल्म है जिस तरह शेर शाह के अंदर यहाँ पर जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा तरह की जो एक्टिंग थी ना वो नेक्स्ट लेवल देखने को मिली थी इस फिल्म यानी योद्धा के अंदर भी उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर फिल्म को टेन बाय सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली हुई है गूगल के ऊपर ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से और यहाँ पर फिल्म को पंद्रह मार्च को टू थाउजेंड ट्वेंटी में इन जो कि फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जो कि पैन इंडिया तो नहीं इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाया गया था और इस फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिला वो भी बात करते हैं तो यहाँ पर आप जिसको बता दूँ कि सिम को टेन बाई सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली है नाइन्टी थ्री परसेंट गूगल के ऊपर लाइक भी मिल चुके हैं और यहाँ पर सिन को जो कि पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर सागर अम्बे ने मिलकर सिंह को डायरेक्ट किया हुआ था बजट इसम का पचपन करोड़ था और इस सिंको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कर रही थी ए फिल्म और यहाँ पर एडि सिन को किया हुआ था शिव कुमार ने और यहाँ पर आगे इस फिल्म के बारे में बात करें तो म्यूज़िक इस फिल्म को जो सॉन्ग्स वगैरह थे ना उसको तानिक भाची विशाल मिश्रा भी प्राक और यहाँ पर आदित्य देव जॉन स्टेर एदे और यहाँ पर स्कोर जॉन जो कि स्टार्ट एवे ने मिलकर जो कि म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ जो कि योद्धा का ट्रांसलेट किया जाए तो वॉरियर बनता है ये 2024 में इंडियन हिंदी लैंग्वेज की फिल्म था और इसमें जो है एक्शन थ्रिलर और इस को राइट और डायरेक्ट किया है सागर अम्बरे ने और यहाँ पर पुष्कर ओझा ने विद प्रोड्यूस बाय जो कि याश जोहर ने और यहाँ पर करण जौहर और यहाँ पर अपूर्वा मेहता द अंडर द बैनर धर्मा प्रोडक्शन जो कि कंपनी के, के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है स्टार कास्ट में देखने मिले सिद्धार्थ मल्होत्रा राशि खन्ना एंड दिशा पटानी और यहाँ पर जो कि बात करें अभी फिल्म के जो कि बात की जाए कुछ कास्ट और यहाँ पर सनेमेडोग्राफी तो सिन्म की, की तो जिष्णु भट्ट भट्टाचार्य जो कि फिल्म की सीनेडोगोग्राफी की एडिट किया फिल्म के शिव कुमार वी पंकड़ ने और यहाँ पर जो कि बता दूँ आप उसको चूँकि प्रोडक्शन कंपनी की तो प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो कि अमेजन एम जी स्टूडियोज धर्मा प्रोडक्शन मैंटो डिस्कम्पल एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ए फिल्म है को रिलीज़ करवाया पंद्रह मार्च टू थाउजेंड में और का रनिंग टाइम था एक मिनट यानी दो घंटे दस मिनट और एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी पचपन करोड़ फिल्म का बजट था और अभी तक इस ने टोटली वर्ल्ड वाइडली सत्रह करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है और जिस तरह से ये फिल्म कलेक्शन कर रही है और यह फिल्म बॉक्स पर एक फ़्लॉप के ज़मरे में जा रही है जी हाँ सो फ्लॉप जा रही है लेकिन देखा जाए तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है और साथ ही यहाँ पर स्टोरी भी ठीक ठाक है लेकिन जो कि फिर से वही टिपिकल जो कि सीन रखे गए हैं जिस तरह से पाकिस्तान को जो कि फिर से पाकिस्तान को ट्रोल किया जाता है पाकिस्तान को दोषी ठहराया जाता है पाकिस्तान के ऊपर जो कि चीज़ें लिखाई जा सारा को इल्जाम लगाया जाता है वही सारा को टिपिकल स्टोरी जिसकी वजह से ये फिल्म भी बॉक्सेस पर फ्लॉप रही जिस तरह से टाइगर्स जो कि मूवी थी लेकिन उसका जो कि लास्ट में जो सीन था ना वो भी ठीक था लेकिन इस फिल्म का कुछ ठीक ना होने की स्टोरी वजह से यह फिल्म बॉक्सेस पर फ्लॉप रह गई कास्ट की बात करें तो यहाँ पर सिद्धार्थ मरोजा मल्होत्रा जो ना इस फिल्म के अंदर अरुण कटियाल का रोल प्ले करें जो कि आर्मी सोल्जर हैं और यहाँ पर राशि खन्ना जो कि प्रिया माधवा का रोल प्ले करें और यहाँ पर वो कटियाल अरुण की वाइफ है और यहाँ पर दिशा पटानी जो कि लैला खालिद का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर वो फ्लाइट अटेंडेंस है और यहाँ पर रौनित राय फिल्म के अंदर मेचर सुंदर कटियाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर तनुज वरुण इस फिल्म के अंदर समीर खान का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर सनी हिंदूजा इस फिल्म के अंदर जलाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर कार्तिका का का जो कि भरद्वाज फिल्म के अंदर तानिया शर्मा का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर एम सी जो कि जहीर इस फिल्म के अंदर अनुज रेयर का रोल प्ले कर रहा है और यहाँ पर चैटरंजन ट्रॉफी जो इस फिल्म के अंदर एस एन धिन ढिंगरा का रोल प्ले करी यहाँ पर फ़रीदा पटेल फिल्म के अंदर जो कि मिसिस कटियाल का रोल प्ले कर रही है तो ये सारी कास्ट वगैरह है जो आप जिसको इस फिल्म के अंदर अपना रो, अपना रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी और ये सारा कुछ कास्ट थी और यहाँ पर आप जिसको बता दूँ तो ये फिल्म बॉक्सेस पर वैसे तो फ्लॉप हो चुकी है अगर आप दोस्त सिद्धार्थ आनंद जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के डाई हार्ट फैन हो साथ ही उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस फिल्म को एक बार तो देख स सकते हो ये फिल्म अभी भी थिएटर में लगी हुई है तो जाके इस फिल्म को थिएटर में देख सकते हो बड़े बड़े स्क्रीन पर और बड़े पर्दे पर इंजॉय कर सकते हो और अगर आप उसने देखा हुआ है ये फिल्म आपको कैसी लगी अपना ओपिनियन कमलॉस में बता सकते हो और वीडियो भी अच्छा लगा वीडियो को भी लाइक कर सकते हो इन फ्यूचर जब भी यह फिल्म ओ टी प्लेटफॉर्म पर आती है तो उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजमी चैनल को आप सब्सक्राइब करके कर कर रखना है और यहाँ पर इस फिल्म यानी योद्धा मूवी की बात करें तो आप इसको बता दूँ योद्धा फ़िल्म जो कि एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी लेकिन यहाँ पर स्टोरी जो कि फिल्म की अच्छी ना होने की वजह से फिल्म बॉक्सेस पर फ्लॉप हो चुकी है फिर भी यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद के सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैंस के लिए उनकी ये फिल्म काफ़ी अच्छी उनको पसंद आएगी यहाँ पर हाई जैकिंग वाले सीन दिखाए गए हैं अगर आप दो हाई जैकिंग वाली मूवीज़ को पसंद करते हो तो ये फिल्म आपको देखनी चाहिए फिल्म को देख सकते हो तो ये फ़िल्म आपको थिएटर में देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जाके देख सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो और और अपना ओपिनियन भी कन बॉक्स में बता सकती हो इन फ्यूचर जैसे ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अपडेट्स आती हैं या इस फिल्म यानी जो कि बात करें योद्धा मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करवाया जाता है तो वो भी अपडेट्स मिल जाएगी इसी चैनल पर तो लाजमी आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ जो कि ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई योद्धा मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा मूवी कैसी है ये फ़िल्म आपको कहाँ पे ऑफिशियली देखने को मिलेगी कैसे देख सकते हो इस फिल्म को और यहाँ पर इस फिल्म को तो ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया कैसा रिस्पांस मिल रहा है वो भी बात करेंगे अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर योद्धा मूवी देखने के लिए आए हैं तो डिस्क्लेमर में बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको योद्धा मूवी देखने को नहीं मिलेगी इस फिल्म के अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और आप इसको ये भी बताया जाएगा कि ये फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकते हो और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पर ऑफिशली जा देख सकते हो और साथ ही फिल्म का रिव्यू किया जाने वाला है कैसी है स्टोरी फिल्म की बॉक्स पर इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके ऊपर भी बात की जाएगी तो इंटरेस्टिंग लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो वीडियो को और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो तो यहाँ पर हम दो सब बात करें योद्धा मूवी की तो ये फिल्म 2024 में रिलीज की गई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जी हाँ सो एक्शन थ्रिलर फिल्म का जॉनरा था और इस फिल्म को रनिंग टाइम दिया गया है दो घंटे तेरह मिनट का और एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी तो यहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्ट की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले कौन सी मूवी को डायरेक्ट किया है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर उससे इससे पहले उन्होंने सिर्फ़ एक फ़िल्म को डायरेक्ट किया है शायद शेर शाह मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं शेर शाह मूवी को डायरेक्ट ना किए भी शायद नहीं किया लेकिन उसी की टाइप की ये फ़िल्म है जिस तरह शेर शाह के अंदर यहाँ पर जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा तरह की जो एक्टिंग थी ना वो नेक्स्ट लेवल देखने को मिली थी इस फिल्म यानी योद्धा के अंदर भी उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म को टेन बाई सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली हुई है गूगल के ऊपर ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से और यहाँ पर फिल्म को पंद्रह मार्च को टू थाउजेंड ट्वेंटी में इन जो कि फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जो कि पैन इंडिया तो नहीं इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाया गया था और ये फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिला वो भी बात करते हैं तो यहाँ पर आप जिसको बता दूँ कि इस इनको टेन बाई सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली है नाइन्टी थ्री परसेंट गूगल के ऊपर लाइक भी मिल चुके हैं और यहाँ पर इस फिल्म को जो कि पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर सागर अम्बरे ने मिलकर इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था बजट का पचपन करोड़ था और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कर रही थी ए फ्स और यहाँ पर एडि फिल्म को किया हुआ था शिव कुमार ने और यहाँ पर आगे इस फिल्म के बारे में बात करें तो म्यूज़िक इस फिल्म को जो सॉन्ग्स वगैरह थे ना उसको तानिक भाची विशाल मिश्रा भी प्राग और यहाँ पर आदित्य देव जॉन स्टेर एदेरे और यहाँ पर स्कोर जॉन जो कि स्टार्ट एवदे ने मिलकर जो कि म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ जो कि योद्धा का ट्रांसलेट किया जाए तो वॉरियर बनता है ये टू में इंडियन हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थे और इस उनका जो होना है एक्शन थ्रिलर और इसको राइट और डायरेक्ट किया है सागर अम्बरे ने और यहाँ पर पुष्कर ओझा ने विद प्रोडूस बाय जो कि याश जोहर ने और यहाँ पर करुण जोहर और यहाँ पर अपूर्वा मेहता द अंडर द बैनर धर्मा प्रोडक्शन जो कि कंपनी के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है स्टार कास्ट में देखने मिले हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा राशि खन्ना एंड दिशा पटानी और यहाँ पर जो कि बात करें अभी फिल्म के जो कि बात की जाए कुछ कास्ट और यहाँ पर सोनमोडोग्राफी तो सिन्म की, की तो जिष्णु भट्ट भट्टाचार्य जो कि फिल्म की की एडिट किया फिल्म शिव कुमार भी पंकड़ ने और यहाँ पर जो कि बता दो आप इसको चूँकि प्रोडक्शन कंपनी की तो प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो कि अमेजोन एम जी स्टूडियोज धर्मा प्रोडक्शन मैंटो डिस्कम्पल एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ए फिल्म है इसम को रिलीज़ करवाया पंद्रह मार्च को टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में और का रनिंग टाइम था एक सौ तीस मिनट यानी दो घंटे दस मिनट और ये एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी बचपन फिल्म का बजट था और अभी तक फिल्म ने टोटली वर्ल्ड वाइडली सत्रह करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है और जिस तरह से फिल्म फिल्म कलेक्शन कर रही और ये फिल्म पर एक फ्लॉप के जमरे में जा रही, है। सो जा रही है लेकिन देखा जाए तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग काफी अच्छी है और साथ ही यहाँ पर स्टोरी भी ठीक ठाक है लेकिन जो कि फिर से वही टिपिकल जो कि सीन रखे गए हैं जिस तरह से पाकिस्तान को जो कि फिर से पाकिस्तान को ट्रोल किया जाता है पाकिस्तान को दोषी ठहराया जाता है पाकिस्तान को के ऊपर जो कि चीज़ें लिखाई सारा को इल्ज़ाम लगाया जाता है वही सारा को टिपिकल स्टोरी जिसकी वजह से यह फिल्म भी बॉक्सेस पर फ्लॉप रही जिस तरह से टाइगर्स जो कि मूवी थी लेकिन उसका जो कि लास्ट में जो सीन था ना वो भी ठीक था लेकिन इस फिल्म का कुछ ठीक ना होने की स्टोरी वजह से यह फिल्म बॉक्सेस पर फ्लॉप रह गई कास्ट की बात करें तो यहाँ पर सिद्धार्थ मरो मल्होत्रा जो ना इस फिल्म के अंदर अरुण कटियाल का रोल प्ले करें जो कि आर्म आर्मी सोल्जर हैं और यहाँ पर राशि खन्ना जो कि प्रिया माधवा का रोल प्ले करें और यहाँ पर वो कटियाल अरुण की वाइफ है और यहाँ पर दिशा पठानी जो कि लैला खालिद का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर वो फ्लाइट अटेंडेंस है और यहाँ पर रौनित राय सुन के अंदर मेचर सुंदर कटियाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर तनुज वरुण इस फिल्म के अंदर समीर ख़ान का रोल प्ले कर करे और यहाँ पर सन्नी हिंदुजा फिल्म के अंदर जलाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर कार्तिका जो कि भरद्वाज फिल्म के अंदर तानिया शर्मा का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर एमसी जो कि जहीर इस फिल्म के अंदर अनुज रेयर का रोल प्ले कर रहे और यहाँ पर चतर रंजन ट्रॉफी जो इस अंदर एस एन धि ढिंगरा का रोल प्ले कर यहाँ पर फ़रीदा पटेल फ़िल्म के अंदर जो कि मिसिस कटियाल का रोल प्ले कर रही है तो ये सारी कास्ट वगैरह है जो आप जिसको इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी और ये सारा कुछ कास्ट थी और यहाँ पर आप जिसको बता दूँ तो ये फिल्म बॉक्सेस पर वैसे तो फ्लॉप हो चुकी है अगर आप दोस्त सिद्धार्थ आनंद जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के डाई हार्ट फैन हो साथ ही उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस फिल्म को एक बार तो देख सी सकते हो यह फिल्म अभी भी थिएटर में लगी हुई है तो जाके इस फिल्म को थिएटर में देख सकते हो बड़े बड़े स्क्रीन पर और बड़े पर्दे पर, पर इंजॉय कर सकते हो और अगर आप उसने देखा हुआ है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी अपना ओपिनियन कम लॉस में बता सकते हो और वीडियो भी अच्छा लगा वीडियो को भी लाइक कर सकते हो इन फ्यूचर जब भी ये फिल्म ओ टी प्लेटफॉर्म पर आती है तो उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजमी चैनल को आप सुने सब्सक्राइब करके कर रखना है और यहाँ पर इस फिल्म यानी योद्धा मूवी की बात करें तो आप इसको बता दूं योद्धा फिल्म जो कि एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी लेकिन यहां पर स्टोरी जो कि फिल्म की अच्छी ना होने की वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है फिर भी यहां पर सिद्धार्थ आनंद के सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैंस के लिए उनकी ये फ़िल्म काफ़ी अच्छी उनको पसंद आएगी यहाँ पर हाई वाले सीन दिखाए गए हैं अगर आप तो उस हाई वाली मूवीज़ को पसंद करते हो तो ये फिल्म आपको देखनी चाहिए इस फिल्म को देख सकती हो तो ये फ़िल्म आपको थिएटर में देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जाके देख सकती हो और इन्जॉय कर सकती हो और अपना ओपिनियन भी कम बॉक्स में बता सकती हो इन फ्यूचर जैसे ओ टी टी ओ टी टी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अपडेट्स आती हैं या इस फिल्म यानी जो कि बात करें योद्धा मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया जाता है तो वो भी अपडेट्स मिल जाएगी इसी चैनल पर तो लाजमी आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ जो कि ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई योद्धा मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा की फ़िल्म योद्धा मूवी कैसी है ये फ़िल्म आपको कहाँ पे ऑफिशियली देखने को मिलेगी कैसे देख सकते हो उस फिल्म को और यहाँ पर इस फिल्म को तो ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिए गए कैसा रिस्पांस मिल रहा है वो भी बात करेंगे अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर योद्धा मूवी देखने के लिए आए हैं तो डिस्क्लेमर में बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको योद्धा मूवी देखने को नहीं मिलेगी इस फिल्म के अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और आप इसको ये भी बताया जाएगा कि ये फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकते हो और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पर ऑफिशली जा देख सकते हो और साथ ही इस फिल्म का रिव्यू किया जाने वाला है कैसी स्टोरी फिल्म की बॉक्स पर इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके ऊपर भी बात की जाएगी तो इंटरेस्टेड लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो वीडियो को और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें योद्धा मूवी की तो ये फिल्म 2024 में रिलीज की गई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जी हाँ सो एक्शन थ्रिलर फिल्म का जोन रहा था और फिल्म को रनिंग टाइम दिया गया है दो घंटे तेरह मिनट का और ये एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी तो यहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले कौन सी मूवी को डायरेक्ट किया है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर उससे इससे पहले उन्होंने सिर्फ़ एक फ़िल्म को डायरेक्ट किया है शायद शेर शाह मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं शेर शाह मूवी को डायरेक्ट ना किए भी के शायद नहीं किया लेकिन उसी की टाइप की ये फ़िल्म है जिस तरह शेर शाह के अंदर यहाँ पर जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा तरह की जो एक्टिंग थी ना वो नेक्स्ट लेवल देखने को मिली थी इस फिल्म यानी योद्धा के अंदर भी उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म को टेन बाय सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली हुई है गूगल के ऊपर ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से और यहाँ पर फिल्म को पंद्रह मार्च को टू थाउजेंड ट्वेंटी में इन जो कि फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जो कि पैन इंडिया तो नहीं इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाया गया था और इस फ़िल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिला वो भी बात करते हैं तो यहाँ पर आप जिसको बता दूँ कि इस इनको टेन बाई सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली और नाइन्टी थ्री परसेंट गूगल के ऊपर लाइक भी मिल चुके हैं और यहाँ पर इस को जो कि पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर सागर अमरे ने मिलकर सिंह को डायरेक्ट किया हुआ था बजट इस का पचपन करोड़ था और इस को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कर रही थी ए फिल्म और यहाँ पर एडिट सिम को किया हुआ था शिव कुमार ने और यहाँ पर आगे इस फिल्म के बारे में बात करें तो म्यूज़िक इस फिल्म को जी जो सॉन्ग्स वगैरह थे ना उसको तानिक भाची विशाल मिश्रा भी प्राक और यहाँ पर आदित्य देव जॉन्स स्टेर एदेो और यहाँ पर स्कोर जॉन जो कि स्टार्ट एवे ने मिलकर जो कि म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ जो कि योद्धा का ट्रांसलेट किया जाए तो वॉरियर बनता है ये 2024 में इंडियन हिंदी लैंग्वेज की फ़िल्म था और फिल्म का जो है एक्शन थ्रिलर और सुन को राइट और डायरेक्ट किया है सागर अम्बरे ने और यहाँ पर पुष्कर ओझा ने विद प्रोड्यूस बाय जो कि याश जोहर ने और यहाँ पर करुण जौहर और यहाँ पर अपूर्वा मेहता द अंडर द बैनर धर्मा प्रोडक्शन जो कि कंपनी के थ्रू फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कास्ट में देखने मिले सिद्धार्थ मल्होत्रा राशि खन्ना एंड दिशा पटानी और यहाँ पर जो कि बात करें अभी सीम के जो कि बात की जाए कुछ कास्ट और यहाँ पर सिनमोडोग्राफी तो की, की तो जिष्णु भट्ट भट्टाचार्य जो कि फिल्म की की एडिट किया फिल्म के शिव कुमार भी पंकड़ ने और यहाँ पर जो कि बता दूँ आपको चूँकि प्रोडक्शन कंपनी की तो प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो कि अमेज़ोन एम जी स्टूडियोज़ धर्मा प्रोडक्शन मैंटो डिस्कैम्पल एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ए फिल्म है को रिलीज़ करवाया पंद्रह मार्च को टू में और इसम का रनिंग टाइम था एक मिनट यानी दो घंटे दस मिनट और ये एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी पचपन करोड़ फिल्म का बजट था और अभी तक इस फिल्म ने टोटली वर्ल्ड वाइडली सत्रह करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है और जिस तरह से ये फिल्म कलेक्शन कर रही है और ये फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप के ज़मरे में जा रही है जी हाँ सो फ्लॉप जा रही है लेकिन देखा जाए तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है और साथ ही यहाँ पर स्टोरी भी ठीक ठाक है लेकिन जो कि फिर से वही टिपिकल जो कि सीन रखे गए हैं जिस तरह से पाकिस्तान को जो कि फिर से पाकिस्तान को ट्रोल किया जाता है पाकिस्तान को दोषी ठहराया जाता है पाकिस्तान के ऊपर जो कि चीज़ें लिखाई जा सारा को इल्जाम लगाया जाता है वही सारा को टिपिकल स्टोरी जिसकी वजह से यह फिल्मी बॉक्स पर फ्लॉप रही जिस तरह से टाइगर्स जो कि मूवी थी लेकिन उसका जो कि लास्ट में जो सीन था ना वो भी ठीक था लेकिन इस फिल्म का कुछ ठीक ना होने की स्टोरी वजह से यह फिल्म बॉक्सेस पर फ्लॉप रह गई कास्ट की बात करें तो यहाँ पर सिद्धार्थ मरोचा मल्होत्रा जो ना इस फिल्म के अंदर अरुण कटियाल का रोल प्ले करें जो कि आर्मी सोल्जर हैं और यहाँ पर राशि खन्ना जो कि प्रिया माधवा का रोल प्ले करें और यहाँ पर आ, वो कटियाल अरुण की वाइफ है और यहाँ पर दिशा पठानी जो कि लैला खालिद का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर वो फ्लाइट अटेंडेंस है और यहाँ पर रौनित राय फिल्म के अंदर मेचर सुंदर कटियाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर तनुज वरुण इस फिल्म के अंदर समीर खान का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर सनी हिंदूजा इस फिल्म के अंदर जलाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर कार्तिका जो कि भरद्वाज के अंदर तानिया शर्मा का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर एम सी जो कि जहीर इस फिल्म के अंदर अनुज अनुजरियर का रोल प्ले कर रहा है और यहाँ पर चेटोरंजन ट्रॉफी जो इस फिल्म के अंदर एस एन धिन ढिंगरा का रोल प्ले करूँ यहाँ पर फ़रीदा पटेल फ़िल्म के अंदर जो कि मिसिस कटियाल का रोल प्ले कर रही है तो ये सारी कास्ट वगैरह है जो आप जिसको इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी और ये सारा कुछ कास्ट थी और यहाँ पर आप जिसको बता दूँ तो ये फिल्म बॉक्सेस पर वैसे तो फ्लॉप हो चुकी है अगर आप दोस्त सिद्धार्थ आनंद जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के डाई हार्ट फैन हो साथ ही उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस फिल्म को एक बार तो देख सी सकते हो ये फिल्म अभी भी थिएटर में लगी हुई है तो जाके इस फिल्म को थिएटर में देख सकते हो बड़े बड़े स्क्रीन पर और बड़े पर्दे पर इंजॉय कर सकते हो और अगर आप उसने देखा हुआ है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और वीडियो भी अच्छा लगा वीडियो को भी लाइक कर सकते हो इन फ्यूचर जब भी ये फ़िल्म ओ टी प्लेटफॉर्म पर आती है तो उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजमी चैनल को आप सुने सब्सक्राइब करके कर रखना है और यहाँ पर इस फिल्म यानी योद्धा मूवी की बात करें तो आप इसको बता दूं योद्धा फिल्म जो कि एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी लेकिन यहां पर स्टोरी जो कि फिल्म की अच्छी ना होने की वजह से ये फिल्म ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है फिर भी यहां पर सिद्धार्थ आनंद के सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैंस के लिए उनकी ये फ़िल्म काफ़ी अच्छी उनको पसंद आएगी यहाँ पर हाई जैकिंग वाले सीन दिखाए गए हैं अगर आप तो उस हाई जैकिंग वाली मूवीज़ को पसंद करते हो तो ये फ़िल्म आपको देखनी चाहिए इस फिल्म को देख सकते हो तो ये फिल्म आपको थिएटर में देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जाके देख सकती हो और इन्जॉय कर सकते हो और अपना ओपिनियन भी कंटबॉक्स में बता सकते हो इन फ्यूचर जैसे ओ टी टी ओ टी टी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अपडेट्स आती हैं या इस फिल्म यानी जो कि बात करें योद्धा मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया जाता है तो वो भी अपडेट्स मिल जाएगी इसी चैनल पर तो लाजमी आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ जो कि ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई योद्धा मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा मूवी कैसी है ये फ़िल्म आपको कहाँ पे ऑफिशियली देखने को मिलेगी कैसे देख सकते हो इस फिल्म को और यहाँ पर इस फिल्म को तो ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया कैसा रिस्पांस मिल रहा है वो भी बात करेंगे अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर योद्धा मूवी देखने के लिए आए हैं तो डिस्क्लेमर में बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको योद्धा मूवी देखने को नहीं मिलेगी इस फिल्म के अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और आप जिसको ये भी बताया जाएगा कि ये फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकती हो और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पर ऑफिशली जा देख सकते हो और साथ ही इस फिल्म का रिव्यू किया जाने वाला है कैसी स्टोरी फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके ऊपर भी बात की जाएगी तो इंटरेस्टिंग लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो वीडियो को और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो तो यहाँ पर हम दो सब बात करें योद्धा मूवी की तो ये फिल्म 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जी हाँ सो एक्शन थ्रिलर फिल्म का जोन रहा था और इस फिल्म को रनिंग टाइम दिया गया है दो घंटे तेरह मिनट का और ये एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी तो, तो यहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले कौन सी मूवी को डायरेक्ट किया है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर उससे इससे पहले उन्होंने सिर्फ़ एक फ़िल्म को डायरेक्ट किया है शायद शेर शाह मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं शेर शाह मूवी को डायरेक्ट ना किए भी शायद नहीं किया लेकिन उसी की टाइप की ये फ़िल्म है जिस तरह शेर शाह के अंदर यहाँ पर जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा तरह की जो एक्टिंग थी ना वो नेक्स्ट लेवल देखने को मिली थी इस फिल्म यानी योद्धा के अंदर भी उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म को टेन बाय सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली हुई है गूगल के ऊपर ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से और यहाँ पर फिल्म को पंद्रह मार्च को टू थाउजेंड ट्वेंटी में इन जो कि फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जो कि पैन इंडिया तो नहीं इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाया गया था और इस फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिला वो भी बात करते हैं तो यहाँ पर आप जिसको बता दूँ कि सिोको टेन बाई सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली है नाइन्टी थ्री परसेंट गूगल के ऊपर लाइक भी मिल चुके हैं और यहाँ पर इस सिन को जो कि पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर सागर अम्बरे ने मिलकर को डायरेक्ट किया हुआ था बजट का पचपन करोड़ था और को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कर रही थी ए फिल्म और यहाँ पर एडिट सिंह को किया हुआ था शिव कुमार ने और यहाँ पर आगे इस फिल्म के बारे में बात करें तो म्यूज़िक इस फिल्म को जो सॉन्ग्स वगैरह थे ना उसको तानिक भाची विशाल मिश्रा भी प्राक और यहाँ पर आदित्य देव जॉन स्टर एदे और यहाँ पर स्कोर जॉन जो कि स्टार्ट एवे ने मिलकर जो कि म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ जो कि योद्धा का ट्रांसलेट किया जाए तो वॉरियर बनता है ये 2024 में इंडियन हिंदी लैंग्वेज की फ़िल्म था और इस का जो है एक्शन थ्रिलर और इस को राइट और डायरेक्ट किया है सागर अम्बरे ने और यहाँ पर पुष्कर ओझा ने विद प्रोड्यूस बाय जो कि याश जोहर ने और यहाँ पर करुण जौहर और यहाँ पर अपूर्वा मेहता द अंडर द बैनर धर्मा प्रोडक्शन जो कि कंपनी के, के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है स्टार कास्ट में देखने मिले सिद्धार्थ मल्होत्रा राशि खन्ना एंड दिशा पटानी और यहाँ पर जो कि बात करें अभी इस के जो कि बात की जाए कुछ कास्ट और यहाँ पर सोनेडोग्राफी तो सिन्म की, 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 की तो जिष्णु भट्ट भट्टाचार्य जो कि फिल्म की सोनेडोग्राफी की एडिट किया फिल्म के शिव कुमार भी पंकड़ ने और यहाँ पर जो कि बता दो आप इसको चूंकि प्रोडक्शन कंपनी की तो प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो कि अमेजोन एम जी स्टूडियोज धर्मा प्रोडक्शन मैंटो डिस्कम्पल एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ए फिल्म है को रिलीज़ करवाया पंद्रह मार्च को टू में और इनका रनिंग टाइम था एक मिनट यानी दो घंटे दस मिनट और ये एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी पचपन करोड़ फिल्म का बजट था और अभी तक इस फिल्म ने टोटली वर्ल्ड वाइडली सत्रह करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है और जिस तरह से यह फिल्म कलेक्शन कर रही है और यह फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप के ज़मरे में जा रही है जी हाँ सो फ्लॉप जा रही है लेकिन देखा जाए तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है और साथ ही यहाँ पर स्टोरी भी ठीक ठाक है लेकिन जो कि फिर से वही टिपिकल जो कि सीन रखे गए हैं जिस तरह से पाकिस्तान को जो कि फिर से पाकिस्तान को ट्रोल किया जाता है पाकिस्तान को दोषी ठहराया जाता है पाकिस्तान को ऊपर जो कि चीज़ें लिखाई सारा को इल्जाम लगाया जाता है वही सारा को टिपिकल स्टोरी जिसकी वजह से यह भी बॉक्सेस पर फ्लॉप रही जिस तरह से टाइगर्स जो कि मूवी थी लेकिन उसका जो कि लास्ट में जो सीन था ना वो भी ठीक था लेकिन इस फिल्म का कुछ ठीक ना होने की स्टोरी वजह से यह फिल्म बॉक्सेस पर फ्लॉप रह गई कास्ट की बात करें तो यहाँ पर सिद्धार्थ मरोचा मल्होत्रा जो ना इस फिल्म के अंदर अरुण कटियाल का रोल प्ले करें जो कि आम आर्मी सोल्जर हैं और यहाँ पर राशि खन्ना जो कि प्रिया माधवा का रोल प्ले करी है और यहाँ पर वो कटियाल अरुण की वाइफ है और यहाँ पर दिशा पटानी जो कि लैला खालिद का रोल प्ले कर रही करी यहाँ पर वो फ्लाइट अटेंडेंस है और यहाँ पर रौनित राय इस के अंदर मेचर सुंदर कटियाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर तनुज वरुण इस फिल्म के अंदर समीर खान का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर सन्नी हिंदूजा इस के earth... अंदर जलाल का रोल प्ले कर रहे यहां पर कार्तिका जो कि तानिया शर्मा का रोल प्ले अन चैटरंजन एस एन ढिंग का रोल प्ले कर, कर यहाँ पर, पर फरीदा पटेल के अंदर जो कि मिसिस कटियाल का रोल प्ले कर रही है तो ये सारी कास्ट वगैरह है जो आप जिसको अपना रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी और ये सारा कुछ कास्ट थी और यहाँ पर आप जिसको बता दूँ तो ये फिल्म बॉक्सेस पर वैसे तो फ्लॉप हो चुकी है अगर आप दोस्त सिद्धार्थ आनंद जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के डाई हार्ट फैन हो साथ ही उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस फिल्म को एक बार तो देख स सकते हो ये फिल्म अभी भी थिएटर में लगी हुई है तो जाके इस फिल्म को थिएटर में देख सकते हो बड़े बड़े स्क्रीन पर और बड़े पर्दे पर, पर इंजॉय कर सकते हो और अगर आप उसने देखा हुआ है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी अपना ओपिनियन कम लॉस में बता सकते हो और वीडियो भी अच्छा लगा वीडियो को भी लाइक कर सकते हो इन फ्यूचर जब यह फिल्म ओ टी प्लेटफॉर्म पर आती है तो उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजमी चैनल को आप सुने सब्सक्राइब करके कर रखना है और यहाँ पर इस फिल्म यानी योद्धा मूवी की बात करें तो आप इसको बता दूँ योद्धा फिल्म जो कि एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी लेकिन यहाँ पर स्टोरी जो कि फिल्म की अच्छी ना होने की वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है फिर भी यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद के सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैंस के लिए उनकी ये फिल्म काफ़ी अच्छी उनको पसंद आएगी यहाँ पर हाई जैकिंग वाले सीन दिखाए गए हैं अगर आप तो उस हाई जैकिंग वाली मूवीज़ को पसंद करते हो तो ये फ़िल्म आपको देखनी चाहिए इस फिल्म को देख सकते हो तो ये फ़िल्म आपको थिएटर में देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जाके देख सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो और और अपना ओपिनियन भी कम बॉक्स में बता सकती हो इन फ्यूचर जैसे ओ टी टी ओ टी टी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अपडेट्स आती हैं या इस फिल्म यानी जो कि बात करें योद्धा मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करवाया जाता है तो वो भी अपडेट्स मिल जाएगी इसी चैनल पर तो लाजमी आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर वेलकम बैक दी एन अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ जो कि ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई योद्धा मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा की फ़िल्म योद्धा मूवी कैसी है ये फ़िल्म आपको कहाँ पे ऑफिशियली देखने को मिलेगी कैसे देख सकते हो उस फिल्म को और यहाँ पर इस फिल्म को तो ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिए गए कैसा रिस्पांस मिल रहा है वो भी बात करेंगे अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर योद्धा मूवी देखने के लिए आए हैं तो डिस्क्लेमर में बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको योद्धा मूवी देखने को नहीं मिलेगी इस फिल्म के अन नौन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और आप इसको ये भी बताया जाएगा कि ये फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकते हो और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पर ऑफिशली जा देख सकते हो और साथ ही इस इलम का रिव्यू किया जाने वाला है कैसी ये स्टोरी फिल्म फिल्म की बॉक्स पर इस को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके ऊपर भी बात की जाएगी तो इंटरेस्टेड लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो वीडियो को और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें योद्धा मूवी की तो ये फिल्म 2024 में रिलीज की गई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जी हाँ सो एक्शन थ्रिलर फिल्म का जोन रहा था और इस फिल्म को रनिंग टाइम दिया गया है दो घंटे तेरह मिनट का और हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी तो यहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो फिल्म को डायरेक्ट किया है पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले कौन सी मूवी को, को डायरेक्ट किया है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर उससे इससे पहले उन्होंने सिर्फ एक फ़िल्म को डायरेक्ट किया है शायद शेर शाह मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं शेर शाह मूवी को डायरेक्ट ना किए भी शायद नहीं किया लेकिन उसी की टाइप की ये फ़िल्म है जिस तरह शेर शाह के अंदर यहाँ पर जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा तरह की जो एक्टिंग थी ना वो नेक्स्ट लेवल देखने को मिली थी इस फिल्म यानी योद्धा के अंदर भी उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म को टेन बाय सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली हुई है गूगल के ऊपर ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से और यहाँ पर फिल्म को पंद्रह मार्च को टू थाउजेंड ट्वेंटी में इन जो कि फ़िल्म को रिलीज़ करवाया गया था जो कि पैन इंडिया तो नहीं इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाया गया था और ये फ़िल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिला वो भी बात करते हैं तो यहाँ पर आप जिसको बता दूँ कि इस इनको टेन बाय सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली है नाइन्टी थ्री परसेंट गूगल के ऊपर लाइक भी मिल चुके हैं और यहाँ पर इस इसको जो कि पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर सागर अम्बरे ने मिलकर सिंह को डायरेक्ट किया हुआ था बजट इस सिम का पचपन करोड़ था और को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कर रही थी ए फिल्म और यहाँ पर एडिट सिम को किया हुआ था शिव कुमार ने और यहाँ पर आगे इस फिल्म के बारे में बात करें तो म्यूज़िक इस फिल्म को जो सॉन्ग्स वगैरह थे ना उसको तानिक भाची विशाल मिश्रा भी प्राक और यहाँ पर आदित्य देव जॉन स्टेर एदेरे और यहाँ पर स्कोर जॉन जो कि स्टार्ट एवदेो ने मिलकर जो कि म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ जो कि योद्धा का ट्रांसलेट किया जाए तो वॉरियर बनता है ये टू में इंडियन हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थे और इस उनका जो है एक्शन थ्रिलर और इसको राइट और डायरेक्ट किया है सागर अम्बरे ने और यहाँ पर पुष्कर ओझा ने विद प्रोड्यूस बाय जो कि याश जोहर ने और यहाँ पर करुण जोहर और यहाँ पर अपूर्वा मेहता द अंडर द बैनर धर्मा प्रोडक्शन जो कि कंपनी के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है स्टार कास्ट में देखने मिले सिद्धार्थ मल्होत्रा राशि खन्ना एंड दिशा पटानी और यहाँ पर जो कि बात करें अभी फिल्म के जो कि बात की जाए कुछ कास्ट और यहाँ पर सोनेमोडोग्राफी तो सिन्म की, 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 की तो जिष्णु भट्ट भट्टाचार्य जो कि फिल्म की की एडिट किया फिल्म के शिव कुमार भी पंकड़ ने और यहाँ पर जो कि बता दो आप इसको चूँकि प्रोडक्शन कंपनी की तो प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो कि अमेजोन एम जी स्टूडियोज धर्मा प्रोडक्शन मैंटो डिस्कम्पल एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ए फिल्म है इसम को रिलीज़ करवाया पंद्रह मार्च को टू में और का रनिंग टाइम था एक मिनट यानी दो घंटे दस मिनट और ये एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी बचपन फिल्म का बजट था और अभी तक इस फिल्म ने टोटली वर्ल्ड वाइडली सत्रह करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है और जिस तरह से फिल्म फिल्म कलेक्शन कर रही और ये फिल्म पर एक फ्लॉप के जमरे में जा रही है जी सो फ्लॉप जा रही है लेकिन देखा जाए तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग काफी अच्छी है और साथ ही यहाँ पर स्टोरी भी ठीक ठाक है लेकिन जो कि फिर से वही टिपिकल जो कि सीन रखे गए हैं जिस तरह से पाकिस्तान को जो कि फिर से पाकिस्तान को ट्रोल किया जाता है पाकिस्तान को दोषी ठहराया जाता है पाकिस्तान को पर जो कि चीज़ें लिखाई जा सारा को इल्जाम लगाया जाता है वही सारा को टिपिकल स्टोरी जिसकी वजह से यह फिल्म भी बॉक्सेस पर फ्लॉप रही जिस तरह से टाइगर्स जो कि मूवी थी लेकिन उसका जो कि लास्ट में जो सीन था ना वो भी ठीक था लेकिन इस फिल्म का कुछ ठीक ना होने की स्टोरी वजह से यह फिल्म बॉक्सेस पर फ्लॉप रह गई कास्ट की बात करें तो यहाँ पर सिद्धार्थ मरो मल्होत्रा जो ना इस फिल्म के अंदर अरुण कटियाल का रोल प्ले करें जो कि आर्मी सोल्जर हैं और यहाँ पर राशि खन्ना जो कि प्रिया माधवा का रोल प्ले करें और यहाँ पर आ, वो कटियाल अरुण की वाइफ है और यहाँ पर दिशा पठानी जो कि लैला खालिद का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर वो फ्लाइट अटेंडेंस है और यहाँ पर रौनित राय फिल्म के अंदर मेचर सुंदर कटियाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर तनुज वरुण इस फिल्म के अंदर समीर खान का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर सनी हिंदूजा इस फिल्म के अंदर जलाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर कार्तिका जो कि भरद्वाज फिल्म के अंदर तानिया शर्मा का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर एम सी जो कि जहीर इस फिल्म के अंदर अनुज अनुजरे का रोल प्ले कर रहा है और यहाँ पर चैटरंजन ट्रॉफी जो इस फिल्म के अंदर एस एन धि ढिंगरा का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर फरीदा पटेल फ़िल्म के अंदर जो कि मिसिस कटियाल का रोल प्ले कर रही है तो ये सारी कास्ट वगैरह है जो आप जिसको इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी और ये सारा कुछ कास्ट थी और यहाँ पर आप जिसको बता दूँ तो ये फिल्म बॉक्सेस पर वैसे तो फ्लॉप हो चुकी है अगर आप दोस्त सिद्धार्थ आनंद जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के डाई हार्ट फैन हो साथ ही उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस फिल्म को एक बार तो देख सी सकते हो ये फिल्म अभी भी थिएटर में लगी हुई है तो जाके इस फिल्म को थिएटर में देख सकते हो बड़े बड़े स्क्रीन पर और बड़े पर्दे पर, पर इंजॉय कर सकते हो और अगर आप उसने देखा हुआ है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और वीडियो भी अच्छा लगा वीडियो को भी लाइक कर सकते हो इन फ्यूचर जब ये फिल्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आती है तो उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजमी चैनल को आप सुने सब्सक्राइब करके कर रखना है और यहाँ पर इस फिल्म यानी योद्धा मूवी की बात करें तो आप इसको बता दूं योद्धा फिल्म जो कि एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी लेकिन यहां पर स्टोरी जो कि फिल्म की अच्छी ना होने की वजह से ये फिल्म ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है फिर भी यहां पर सिद्धार्थ आनंद के सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैंस के लिए उनकी ये फिल्म काफ़ी अच्छी उनको पसंद आएगी यहाँ पर हाई जैकिंग वाले सीन दिखाए गए हैं अगर आप तो उस हाई जैकिंग वाली मूवीज़ को पसंद करते हो तो ये फ़िल्म आपको देखनी चाहिए को देख सकते हो तो ये फिल्म आपको थिएटर में देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जा देख सकती हो और इन्जॉय कर सकते हो और अपना ओपिनियन भी कन बॉक्स में बता सकते हो इन फ्यूचर जैसे ओ टी टी ओ टी टी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अपडेट्स आती हैं या इस फिल्म यानी जो कि बात करें योद्धा मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करवाया जाता है तो वो भी अपडेट्स मिल देंगी इसी चैनल पर तो लाजमी अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर वेलकम बैक दी एन अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ जो कि ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई योद्धा मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा मूवी कैसी है ये फ़िल्म आपको कहाँ पे ऑफिशियली देखने को मिलेगी कैसे देख सकते हो उस फिल्म को और यहाँ पर इस फिल्म को तो ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया कैसा रिस्पांस मिल रहा है वो भी बात करेंगे अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर योद्धा मूवी देखने के लिए आए हैं तो डिस्क्लेमर में बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको योद्धा मूवी देखने को नहीं मिलेगी इस फिल्म के अन नौन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और आप जिसको ये भी बताया जाएगा कि ये फ़िल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकती हो और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पर ऑफिशली जा देख सकते हो और साथ ही इस इम का रिव्यू किया जाने वाला है कैसी है स्टोरी फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके ऊपर भी बात की जाएगी तो इंटरेस्टिंग लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो वीडियो को और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो तो यहाँ पर हम तो सब बात करें योद्धा मूवी की तो ये फिल्म 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जी हाँ सो एक्शन थ्रिलर फिल्म का जोन रहा था और इस फिल्म को रनिंग टाइम दिया गया है दो घंटे तेरह मिनट का और ये एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी तो यहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले कौन सी मूवी को डायरेक्ट किया है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर उससे इससे पहले उन्होंने सिर्फ़ एक फ़िल्म को डायरेक्ट किया है शायद शेर शाह मूवी को डायरेक्ट कर चुके है। शेर हैं शेर शाह मूवी को डायरेक्ट ना किए भी शायद नहीं किया लेकिन उसी की टाइप की ये फ़िल्म है जिस तरह शेर शाह के अंदर यहाँ पर जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा तरह की जो एक्टिंग थी ना वो नेक्स्ट लेवल देखने को मिली थी इस फिल्म यानी योद्धा के अंदर भी उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर फिल्म को टेन बाय सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली हुई है गूगल के ऊपर ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से और यहाँ पर फिल्म को पंद्रह मार्च को टू थाउजेंड ट्वेंटी में इन जो कि फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जो कि पैन इंडिया तो नहीं इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाया गया था और इस फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिला वो भी बात करते हैं तो यहाँ पर आप जिसको बता दूँ कि सिम को टेन बाई सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली है नाइन्टी थ्री परसेंट गूगल के ऊपर लाइक भी मिल चुके हैं और यहाँ पर सिन को जो कि पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर सागर अमरे ने मिलकर इस सिंको डायरेक्ट किया हुआ था बजट इसम का पचपन करोड़ था और इस सिंको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कर रही थी ए फिल्म और यहाँ पर एडि सिन को किया हुआ था शिव कुमार ने और यहाँ पर आगे इस फिल्म के बारे में बात करें तो म्यूज़िक इस फिल्म को जो सॉन्ग्स वगैरह थे ना उसको तानिक भाची विशाल मिश्रा भी प्राक और यहाँ पर आदित्य देव जॉन स्टेर एदे और यहाँ पर स्कोर जॉन जो कि स्टार्ट एवे ने मिलकर जो कि म्यूजिक वगैरह दिया हुआ था तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ जो कि योद्धा का ट्रांसलेट किया जाए तो वॉरियर बनता है ये 2024 में इंडियन हिंदी लैंग्वेज की फिल्म था और इसमें जो है एक्शन थ्रिलर और इस को राइट और डायरेक्ट किया है सागर अम्बरे ने और यहाँ पर पुष्कर ओझा ने विद प्रोड्यूस बाय जो कि याश जोहर ने और यहाँ पर करण जौहर और यहाँ पर अपूर्वा मेहता द अंडर द बैनर धर्मा प्रोडक्शन जो कि कंपनी के, के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है स्टार कास्ट में देखने मिले सिद्धार्थ मल्होत्रा राशि खन्ना एंड दिशा पटानी और यहाँ पर जो कि बात करें अभी फिल्म के जो कि बात की जाए कुछ कास्ट और यहाँ पर सनेमेडोग्राफी तो सिन्म की तो जिष्णु भट्ट भट्टाचार्य जो कि फिल्म की सोनेडोग्राफी की एडिट किया फिल्म के, के शिव कुमार वी पंकड़ ने और यहाँ पर जो कि बता दूँ आप उसको चूँकि प्रोडक्शन कंपनी की तो प्रोडक्शन कंपनीज तो हैं जो कि अमेजन एम जी स्टूडियोज धर्मा प्रोडक्शन मैंटो डिस्कम्पल एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ए फिल्म है फिल्म को रिलीज़ करवाया पंद्रह मार्च को थाउजेंड में और फिल्म का रनिंग टाइम था एक मिनट यानी दो घंटे दस मिनट और एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी पचपन करोड़ फिल्म का बजट था और अभी तक इस फिल्म ने टोटली वर्ल्ड वाइडली सत्रह करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है और जिस तरह से यह फिल्म कलेक्शन कर रही है और यह फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप के ज़मरे में जा रही है जी हाँ सो फ्लॉप जा रही है लेकिन देखा जाए तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है और साथ ही यहाँ पर स्टोरी भी ठीक ठाक है लेकिन जो कि फिर से वही टिपिकल जो कि सीन रखे गए हैं जिस तरह से पाकिस्तान को जो कि फिर से पाकिस्तान को ट्रोल किया जाता है पाकिस्तान को दोषी ठहराया जाता है पाकिस्तान को पर जो कि चीज़ें लिखाई सारा को इल्जाम लगाया जाता है वही सारा को टिपिकल स्टोरी जिसकी वजह से यह भी बॉक्सेस पर फ्लॉप रही जिस तरह से टाइगर्स जो कि मूवी थी लेकिन उसका जो कि लास्ट में जो सीन था ना वो भी ठीक था लेकिन इस फिल्म का कुछ ठीक ना होने की स्टोरी वजह से यह फिल्म बॉक्स पर फ्लॉप रह गई कास्ट की बात करें तो यहाँ पर सिद्धार्थ मरोचा मल्होत्रा जो ना इस फिल्म के अंदर अरुण कटियाल का रोल प्ले करें जो कि आर्मी सोल्जर हैं और यहाँ पर राशि खन्ना जो कि प्रिया माधवा का रोल प्ले करी और यहाँ पर आ, वो कटियाल अरुण की वाइफ है और यहाँ पर दिशा पटानी जो कि लैला खालिद का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर वो फ्लाइट अटेंडेंस है और यहाँ पर रौनित राय इस के अंदर मेचर सुंदर कटियाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर तनुज वरुण इस फिल्म के अंदर समीर खान का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर सन्नी हिंदुजा इस के अंदर जलाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर कार्तिका जो कि भरद्वाज के अंदर तानिया शर्मा का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर एम फिल्म के अंदर अनुज रेयर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर चैटर रंजन ट्रॉफी जो एस एन ढिंगरा का रोल प्ले करो यहाँ पर फरीदा पटेल के अंदर जो कि मिसिस कटियाल का रोल प्ले कर रही है तो ये सारी कास्ट वगैरह है जो आप जिसको इस फिल्म के अंदर अपना रो, अपना रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी और ये सारा कुछ कास्ट थी और यहाँ पर आप जिसको बता दूँ तो ये फ़िल्म बॉक्सेस पर वैसे तो फ्लॉप हो चुकी है अगर आप दोस्त सिद्धार्थ आनंद जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के डाई हार्ट फैन हो साथ ही उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस फिल्म को एक बार तो देख स ही सकते हो ये फिल्म अभी भी थिएटर में लगी हुई है तो जाके इस फिल्म को थिएटर में देख सकते हो बड़े बड़े स्क्रीन पर और बड़े पर्दे पर इंजॉय कर सकते हो और अगर आप उसने देखा हुआ है ये फिल्म आपको कैसी लगी अपना ओपिनियन कम में बता सकते हो और वीडियो भी अच्छा लगा वीडियो को भी लाइक कर सकते हो इन फ्यूचर जब भी यह फिल्म ओ टी प्लेटफॉर्म पर आती है तो उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजमी चैनल को आप सुने सब्सक्राइब करके कर कर रखना है और यहाँ पर इस फिल्म यानी योद्धा मूवी की बात करें तो आप इसको बता दूँ योद्धा फ़िल्म जो कि एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी लेकिन यहाँ पर स्टोरी जो कि फिल्म की अच्छी ना होने की वजह से फिल्म बॉक्सेस पर फ्लॉप हो चुकी है फिर भी यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद के सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैंस के लिए उनकी ये फिल्म काफ़ी अच्छी उनको पसंद आएगी यहाँ पर हाई जैकिंग वाले सीन दिखाए गए हैं अगर आप दो हाई जैकिंग वाली मूवीज़ को पसंद करते हो तो ये फिल्म आपको देखनी चाहिए फिल्म को देख सकते हो तो ये फ़िल्म आपको थिएटर में देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जाके देख सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो और और अपना ओपिनियन भी कन बॉक्स में बता सकते हो इन फ्यूचर जैसे ओ टी टी से ओ टी टी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अपडेट्स आती हैं या इस फिल्म यानी जो कि बात करें योद्धा मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करवाया जाता है तो वो भी अपडेट्स मिल जाएगी इसी चैनल पर तो लाजमी आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ जो कि ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई योद्धा मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा मूवी कैसी है ये फ़िल्म आपको कहाँ पे ऑफिशियली देखने को मिलेगी कैसे देख सकते हो इस फिल्म को और यहाँ पर इस फिल्म को तो ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया कैसा रिस्पांस मिल रहा है वो भी बात करेंगे अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर योद्धा मूवी देखने के लिए आए हैं तो डिस्क्लेमर में बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको योद्धा मूवी देखने को नहीं मिलेगी इस फिल्म के अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और आप इसको ये भी बताया जाएगा कि ये फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकते हो और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पर ऑफिशली जा देख सकते हो और साथ ही फिल्म का रिव्यू किया जाने वाला है कैसी है स्टोरी फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके ऊपर भी बात की जाएगी तो इंटरेस्टिंग लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो वीडियो को और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो तो यहाँ पर हम दो सब बात करें योद्धा मूवी की तो ये फिल्म 2024 में रिलीज की गई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जी हाँ सो एक्शन थ्रिलर फिल्म का जोनरा था और इस फिल्म को रनिंग टाइम दिया गया है दो घंटे तेरह मिनट का और एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी तो यहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्ट की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले कौन सी मूवी को डायरेक्ट किया है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर उससे इससे पहले उन्होंने सिर्फ़ एक फ़िल्म को डायरेक्ट किया है।, है शायद शेर शाह मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं शेर शाह मूवी को डायरेक्ट ना किए भी शायद नहीं किया लेकिन उसी टाइप की ये फ़िल्म है जिस तरह शेर शाह के अंदर यहाँ पर जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा तरह की जो एक्टिंग थी ना वो नेक्स्ट लेवल देखने को मिली थी इस फिल्म यानी योद्धा के अंदर भी उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म को टेन बाय सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली हुई है गूगल के ऊपर ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से और यहाँ पर फिल्म को पंद्रह मार्च को टू थाउजेंड ट्वेंटी में इन जो कि फ़िल्म को रिलीज़ करवाया गया था जो कि पैन इंडिया तो नहीं इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाया गया था और इस फ़िल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिला वो भी बात करते हैं तो यहाँ पर आप जिसको बता दूँ कि इस इनको टेन बाई सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली है नाइन्टी थ्री परसेंट गूगल के ऊपर लाइक भी मिल चुके हैं और यहाँ पर इस फिल्म को जो कि पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर सागर अम्बरे ने मिलकर इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था बजट का पचपन करोड़ था और इस को कर ए, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कर रही थी ए फ्स और यहाँ पर एडि फिल्म को किया हुआ था शिव कुमार ने और यहाँ पर आगे इस फिल्म के बारे में बात करें तो म्यूज़िक इस फिल्म को जो सॉन्ग्स वगैरह थे ना उसको तानिक भाची विशाल मिश्रा भी प्राग और यहाँ पर आदित्य देव जॉन स्टर एदे और यहाँ पर स्कोर जॉन जो कि स्टार्ट एवेरू ने मिलकर जो कि म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ जो कि योद्धा का ट्रांसलेट किया जाए तो वॉरियर बनता है ये 2024 में इंडियन हिंदी लैंग्वेज की फ़िल्म था और इस फिल्म का जो है एक्शन थ्रिलर और इसको राइट और डायरेक्ट किया है सागर अम्बरे ने और यहाँ पर पुष्कर ओझा ने विद प्रोड्यूस बाय जो कि हीरो याश जोहर ने और यहाँ पर करण जौहर और यहाँ पर अपूर्वा मेहता द अंडर द बैनर धर्मा प्रोडक्शन जो कि कंपनी के, के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है स्टार कास्ट में देखने मिले सिद्धार्थ मल्होत्रा राशि खन्ना एंड दिशा फटानी और यहाँ पर जो कि बात करें अभी फिल्म के जो कि बात की जाए कुछ कास्ट और यहां पर सोनेडोग्राफी तो सिन्म की तो जिष्णु भट्ट भट्टाचार्य जो कि सोनेडोग्राफी की है, की एडिट किया फिल्म शिव कुमार भी पंक्ट ने और यहां पर जो कि बता आप दो आपको चूंकि प्रोडक्शन कंपनी की तो प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो कि अमेजोन एम जी स्टूडियोज धर्मा प्रोडक्शन में डिस्कम्पल एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ए फिल्म है। को, है को रिलीज करवाया पंद्रह मार्च को टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में और रनिंग टाइम था एक सौ तीस मिनट यानी दो घंटे दस मिनट और यह हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी पचपन वर्ल्ड फिल्म का बजट था और अभी तक इसने टोटली वर्ल्ड वाइडली सत्रह करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है और जिस तरह से ये फिल्म कलेक्शन कर रही है और यह फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप के ज़मरे में जा रही है जी हाँ सो फ्लॉप जा रही है लेकिन देखा जाए तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है और साथ ही यहाँ पर स्टोरी भी ठीक ठाक है लेकिन जो कि फिर से वही टिपिकल जो कि सीन रखे गए हैं जिस तरह से पाकिस्तान को जो कि फिर से पाकिस्तान को ट्रोल किया जाता है पाकिस्तान को दोषी ठहराया जाता है पाकिस्तान के ऊपर जो कि चीज़ें लिखाई जा सारा को इल्जाम लगाया जाता है वही सारा को टिपिकल स्टोरी जिसकी वजह से ये फिल्म भी बॉक्सेस पर फ्लॉप रही जिस तरह से टाइगर्स जो कि मूवी थी लेकिन उसका जो कि लास्ट में जो सीन था ना वो भी ठीक था लेकिन इस फिल्म का कुछ ठीक ना होने की स्टोरी वजह से यह फिल्म बॉक्सेस पर फ्लॉप रह गई कास्ट की बात करें तो यहाँ पर सिद्धार्थ मरो मल्होत्रा जो ना इस फिल्म के अंदर अरुण कटियाल का रोल प्ले कर करें जो कि आर्मी सोल्जर हैं और यहाँ पर राशि खन्ना जो कि प्रिया माधवा का रोल प्ले कर करे और यहाँ पर आ, वो कटियाल अरुण की वाइफ है और यहाँ पर दिशा पठानी जो कि लैला खालिद का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर वो फ्लाइट अटेंडेंस है और यहाँ पर रौनित राय फिल्म के अंदर मेचर सुंदर कटियाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर तनुज वरुण इस फिल्म के अंदर समीर खान का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर सनी हिंदुजा फिल्म के अंदर जलाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर कार्तिका जो कि भरद्वाज फिल्म के अंदर तानिया शर्मा का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर एम सी जो कि जहीर इस फिल्म के अंदर अनुज रेयर का रोल प्ले कर रहा है और यहाँ पर चैटर रंजन ट्रॉफ़ी जो इस फिल्म के अंदर एस एन धि ढिंगरा का रोल प्ले कर है यहाँ पर फरीदा पटेल फिल्म के अंदर जो कि मिसिस कटियाल का रोल प्ले कर रही है तो ये सारी कास्ट वगैरह है जो आप जिसको इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी और ये सारा कुछ कास्ट थी और यहाँ पर आप जिसको बता दूँ तो ये फिल्म बॉक्सेस पर वैसे तो फ्लॉप हो चुकी है अगर आप दोस्त सिद्धार्थ आनंद जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के डाई हार्ट फैन हो साथ ही उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस फिल्म को एक बार तो देख सी सकते हो यह फिल्म अभी भी थिएटर में लगी हुई है तो जाके इस फिल्म को थिएटर में देख सकते हो बड़े बड़े स्क्रीन पर और बड़े पर्दे पर, पर इंजॉय कर सकते हो और अगर आप उसने देखा हुआ है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी अपना ओपिनियन कम लॉस में बता सकते हो और वीडियो भी अच्छा लगा वीडियो को भी लाइक कर सकते हो इन फ्यूचर जब भी ये फिल्म ओ टी प्लेटफॉर्म पर आती है तो उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजमी चैनल को आप सुने सब्सक्राइब करके कर रखना है और यहाँ पर इस फिल्म यानी योद्धा मूवी की बात करें तो आप इसको बता दूं योद्धा फिल्म जो कि एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी लेकिन यहां पर स्टोरी जो कि फिल्म की अच्छी ना होने की वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है फिर भी यहां पर सिद्धार्थ आनंद के सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैंस के लिए उनकी ये फ़िल्म काफ़ी अच्छी उनको पसंद आएगी यहाँ पर हाई वाले सीन दिखाए गए हैं अगर आप तो उस हाई वाली मूवीज़ को पसंद करते हो तो ये फिल्म आपको देखनी चाहिए इस फिल्म को देख सकती हो तो ये फ़िल्म आपको थिएटर में देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जाके देख सकती हो और इन्जॉय कर सकती हो और अपना ओपिनियन भी कम बॉक्स में बता सकती हो इन फ्यूचर जैसे ओ टी टी ओ टी टी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अपडेट्स आती हैं या इस फिल्म यानी जो कि बात करें योद्धा मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया जाता है तो वो भी अपडेट्स मिल जाएगी इसी चैनल पर तो लाजमी आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ जो कि ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई योद्धा मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा की फ़िल्म योद्धा मूवी कैसी है ये फ़िल्म आपको कहाँ पे ऑफिशियली देखने को मिलेगी कैसे देख सकते हो उस फिल्म को और यहाँ पर इस फिल्म को तो ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिए गए कैसा रिस्पांस मिल रहा है वो भी बात करेंगे अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर योद्धा मूवी देखने के लिए आए हैं तो डिस्क्लेमर में बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको योद्धा मूवी देखने को नहीं मिलेगी इस फिल्म के अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और आप इसको ये भी बताया जाएगा कि ये फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकते हो और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पर ऑफिशियली जा देख सकते हो और साथ ही इस फिल्म का रिव्यू किया जाने वाला है कैसी स्टोरी फिल्म की बॉक्स पर इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके ऊपर भी बात की जाएगी तो इंटरेस्टेड लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो वीडियो को और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें योद्धा मूवी की तो ये फिल्म 2024 में रिलीज की गई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जी हाँ सो एक्शन थ्रिलर फिल्म का जोन रहा था और फिल्म को रनिंग टाइम दिया गया है दो घंटे तेरह मिनट का और ये एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी तो यहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले कौन सी मूवी को डायरेक्ट किया है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर उससे इससे पहले उन्होंने सिर्फ़ एक फ़िल्म को डायरेक्ट किया है शायद शेर शाह मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं शेर शाह मूवी को डायरेक्ट ना किए भी शायद नहीं किया लेकिन उसी की टाइप की ये फ़िल्म है जिस तरह शेर शाह के अंदर यहाँ पर जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा तरह की जो एक्टिंग थी ना वो नेक्स्ट लेवल देखने को मिली थी इस फिल्म यानी योद्धा के अंदर भी उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म को टेन बाय सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली हुई है गूगल के ऊपर ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से और यहाँ पर फिल्म को पंद्रह मार्च को टू थाउजेंड ट्वेंटी में इन जो कि फ़िल्म को रिलीज़ करवाया गया था जो कि पैन इंडिया तो नहीं इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाया गया था और इस फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिला वो भी बात करते हैं तो यहाँ पर आप जिसको बता दूँ कि सिम को टेन बाय सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली 93 और नाइन्टी थ्री परसेंट गूगल के ऊपर लाइक भी मिल चुके हैं और यहाँ पर सिन को जो कि पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर सागर अम्बरे ने मिलकर को डायरेक्ट किया हुआ था बजट सिम का पचपन करोड़ था और सिम को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कर रही थी ए फ्स और यहाँ पर एडि सिन को किया हुआ था शिव कुमार ने और यहाँ पर आगे इस फिल्म के बारे में बात करें तो म्यूज़िक इस फिल्म को जो जो सॉन्ग्स वगैरह थे ना उसको तानिक भाची विशाल मिश्रा भी प्राक और यहाँ पर आदित्य देव जॉन स्टेर एदेो और यहाँ पर स्कोर जॉन जो कि स्टार्ट एवे ने मिलकर जो कि म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ जो कि योद्धा का ट्रांसलेट किया जाए तो वॉरियर बनता है ये 2024 में इंडियन हिंदी लैंग्वेज की फिल्म था और फिल्म का जो है एक्शन थ्रिलर और सुन को राइट और डायरेक्ट किया है सागर अम्बरे ने और यहाँ पर पुष्कर ओझा ने विद प्रोड्यूस बाय जो कि याश जोहर ने और यहाँ पर करुण जौहर और यहाँ पर अपूर्वा मेहता द अंडर द बैनर धर्मा प्रोडक्शन जो कि कंपनी के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कास्ट में देखने मिले सिद्धार्थ मल्होत्रा राशि खन्ना एंड दिशा पटानी और यहाँ पर जो कि बात करें अभी सुल के जो कि बात की जाए कुछ कास्ट और यहाँ पर सिनमोडोग्राफी तो की, की तो जिष्णु भट्ट भट्टाचार्य जो कि फिल्म की की एडिट किया फिल्म के शिव कुमार भी पंकड़ ने और यहाँ पर जो कि बता दूँ आपको चूँकि प्रोडक्शन कंपनी की तो प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो कि अमेज़ोन एम जी स्टूडियोज धर्मा प्रोडक्शन मैंटो डिस्कैम्पल एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ए फिल्म है रिलीज़ करवाया पंद्रह मार्च को टू में और इसम का रनिंग टाइम था एक मिनट यानी दो घंटे दस मिनट और ये एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी पचपन करोड़ फिल्म का बजट था और अभी तक इस फिल्म ने टोटली वर्ल्ड वाइडली सत्रह करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है और जिस तरह से ये फिल्म कलेक्शन कर रही है और ये फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप के ज़मरे में जा रही है जी हाँ सो फ्लॉप जा रही है लेकिन देखा जाए तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है और साथ ही यहाँ पर स्टोरी भी ठीक ठाक है लेकिन जो कि फिर से वही टिपिकल जो कि सीन रखे गए हैं जिस तरह से पाकिस्तान को जो कि फिर से पाकिस्तान को ट्रोल किया जाता है पाकिस्तान को दोषी ठहराया जाता है पाकिस्तान के ऊपर जो कि चीज़ें लिखाई जा सारा को इल्जाम लगाया जाता है वही सारा को टिपिकल स्टोरी जिसकी वजह से यह फिल्मी बॉक्स पर फ्लॉप रही जिस तरह से टाइगर्स जो कि मूवी थी लेकिन उसका जो कि लास्ट में जो सीन था ना वो भी ठीक था लेकिन इस फिल्म का कुछ ठीक ना होने की स्टोरी वजह से यह फिल्म बॉक्सेस पर फ्लॉप रह गई कास्ट की बात करें तो यहाँ पर सिद्धार्थ मरोचा मल्होत्रा जो ना इस फिल्म के अंदर अरुण कटियाल का रोल प्ले करें जो कि आर्मी सोल्जर हैं और यहाँ पर राशि खन्ना जो कि प्रिया माधवा का रोल प्ले करें और यहाँ पर आ, वो कटियाल अरुण की वाइफ है और यहाँ पर दिशा पठानी जो कि लैला खालिद का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर वो फ्लाइट अटेंडेंस है और यहाँ पर रौनित राय फिल्म के अंदर मेचर सुंदर कटियाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर तनुज वरुण इस फिल्म के अंदर समीर खान का रोल प्ले, प्ले कर रहे हैं यहाँ पर सन्नी हिंदूजा इस फिल्म के अंदर जलाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर कार्तिका जो कि भरद्वाज फिल्म के अंदर तानिया शर्मा का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर एमसी जो कि जहीर इस फिल्म के अंदर अनुज रेयर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर चैटरंजन ट्राफी काफ़ी जो इस फिल्म के अंदर एस एन ढिंगरा का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर फरीदा पटेल फिल्म के अंदर जो कि मिसिस कटियाल का रोल प्ले कर रही है तो ये सारी कास्ट वगैरह है जो आप जिसको इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी और ये सारा कुछ कास्ट थी और यहाँ पर आप जिसको बता दूँ तो ये फिल्म बॉक्सेस पर वैसे तो फ्लॉप हो चुकी है अगर आप दोस्त सिद्धार्थ आनंद जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के डाई हार्ट फैन हो साथ ही उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस फिल्म को एक बार तो देख सी सकते हो ये फिल्म अभी भी थिएटर में लगी हुई है तो जाके इस फिल्म को थिएटर में देख सकते हो बड़े बड़े स्क्रीन पर और बड़े पर्दे पर, पर इंजॉय कर सकते हो और अगर आप उसने देखा हुआ है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और वीडियो भी अच्छा लगा वीडियो को भी लाइक कर सकते हो इन फ्यूचर जब भी ये फ़िल्म ओ टी प्लेटफॉर्म पर आती है तो उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजमी चैनल को आप सुने सब्सक्राइब करके रखना है और यहाँ पर इस फिल्म यानी योद्धा मूवी की बात करें तो आप इसको बता दूं योद्धा फिल्म जो कि एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी लेकिन यहां पर स्टोरी जो कि फिल्म की अच्छी ना होने की वजह से ये फिल्म ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है फिर भी यहां पर सिद्धार्थ आनंद के सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैंस के लिए उनकी ये फ़िल्म काफ़ी अच्छी उनको पसंद आएगी यहाँ पर हाई जैकिंग वाले सीन दिखाए गए हैं अगर आप तो उस हाई जैकिंग वाली मूवीज़ को पसंद करते हो तो ये फ़िल्म आपको देखनी चाहिए इस फिल्म को देख सकते हो तो ये फिल्म आपको थिएटर में देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जाके देख सकती हो और इन्जॉय कर सकते हो और अपना ओपिनियन भी कंटबॉक्स में बता सकते हो इन फ्यूचर जैसे ओ टी टी ओ टी टी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अपडेट्स आती हैं या इस फिल्म यानी जो कि बात करें योद्धा मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया जाता है तो वो भी अपडेट्स मिल जाएगी इसी चैनल पर तो लाजमी अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर वेलकम बैक दी एन अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ जो कि ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई योद्धा मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा मूवी कैसी है ये फ़िल्म आपको कहाँ पे ऑफिशियली देखने को मिलेगी कैसे देख सकते हो इस फिल्म को और यहाँ पर इस फिल्म को तो ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया कैसा रिस्पांस मिल रहा है वो भी बात करेंगे अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर योद्धा मूवी देखने के लिए आए हैं तो डिस्क्लेमर में बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको योद्धा मूवी देखने को नहीं मिलेगी इस फिल्म के अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और आप जिसको ये भी बताया जाएगा कि ये फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकती हो और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पर ऑफिशली जा देख सकते हो और साथ ही इस फिल्म का रिव्यू किया जाने वाला है कैसी ये स्टोरी फिल्म की बॉक्स पर इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके ऊपर भी बात की जाएगी तो इंटरेस्टिंग लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो वीडियो को और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो तो यहाँ पर हम दो सब बात करें योद्धा मूवी की तो ये फिल्म 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जी हाँ सो एक्शन थ्रिलर फिल्म का जोन रहा था और इस फिल्म को रनिंग टाइम दिया गया है दो घंटे तेरह मिनट का और ये एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी तो यहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले कौन सी मूवी को डायरेक्ट किया है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर उससे इससे पहले उन्होंने सिर्फ़ एक फ़िल्म को डायरेक्ट किया है शायद शेर शाह मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं शेर शाह मूवी को डायरेक्ट ना किए भी शायद नहीं किया लेकिन उसी की टाइप की ये फ़िल्म है जिस तरह शेर शाह के अंदर यहाँ पर जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा तरह की जो एक्टिंग थी ना वो नेक्स्ट लेवल देखने को मिली थी इस फिल्म यानी योद्धा के अंदर भी उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म को टेन बाय सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली हुई है गूगल के ऊपर ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से और यहाँ पर फिल्म को पंद्रह मार्च को टू थाउजेंड ट्वेंटी में जो कि फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जो कि पैन इंडिया तो नहीं इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाया गया था और इस फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिला वो भी बात करते हैं तो यहाँ पर आप जिसको बता दूँ कि सिोको टेन बाई सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली है नाइन्टी थ्री परसेंट गूगल के ऊपर लाइक भी मिल चुके हैं और यहाँ पर इस सिन को जो कि पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर सागर अम्बरे ने मिलकर को डायरेक्ट किया हुआ था बजट का पचपन करोड़ था और को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कर रही थी ए फिल्म और यहाँ पर एडिट सिंह को किया हुआ था शिव कुमार ने और यहाँ पर आगे इस फिल्म के बारे में बात करें तो, तो म्यूज़िक इस फिल्म को जो सॉन्ग्स वगैरह थे ना उसको तानिक भाची विशाल मिश्रा भी प्राक और यहाँ पर आदित्य देव जॉन स्टर एदे और यहाँ पर स्कोर जॉन जो कि स्टार्ट एवेरू ने मिलकर जो कि म्यूजिक वगैरह दिया हुआ था तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ जो कि योद्धा का ट्रांसलेट किया जाए तो वॉरियर बनता है ये 2024 में इंडियन हिंदी लैंग्वेज की फिल्म था और इस का जो है एक्शन थ्रिलर और इस को राइट और डायरेक्ट किया है सागर अम्बरे ने और यहाँ पर पुष्कर ओझा ने विद प्रोड्यूस बाय जो कि याश जोहर ने और यहाँ पर करुण जौहर और यहाँ पर अपूर्वा मेहता द अंडर द बैनर धर्मा प्रोडक्शन जो कि कंपनी के, के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है स्टार कास्ट में देखने मिले सिद्धार्थ मल्होत्रा राशि खन्ना एंड दिशा पटानी और यहाँ पर जो कि बात करें इस फिल्म के जो कि बात की जाए कुछ कास्ट और यहाँ पर सोनेडोग्राफी तो भाट, सिन्म की, की, की तो जिष्णु भट्ट भट्टाचार्य जो कि फिल्म की सोनेडोग्राफी की एडिट किया फिल्म के शिव कुमार वी पंकड़ ने और यहाँ पर जो कि बता दो आप इसको चूंकि प्रोडक्शन कंपनी की तो प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो कि अमेजोन एम जी स्टूडियोज धर्मा प्रोडक्शन मेन्टो डिस्कम्पल एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ए फिल्म है को रिलीज़ करवाया पंद्रह मार्च को टू में और का रनिंग टाइम था एक मिनट यानी दो घंटे दस मिनट और ये एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी पचपन करोड़ फिल्म का बजट था और अभी तक इस ने टोटली वर्ल्ड वाइडली सत्रह करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है और जिस तरह से ये फिल्म कलेक्शन कर रही है और ये फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप के ज़मरे में जा रही है जी हाँ सो फ्लॉप जा रही है लेकिन देखा जाए तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है और साथ ही यहाँ पर स्टोरी भी ठीक ठाक है लेकिन जो कि फिर से वही टिपिकल जो कि सीन रखे गए हैं जिस तरह से पाकिस्तान को जो कि फिर से पाकिस्तान को ट्रोल किया जाता है पाकिस्तान को दोषी ठहराया जाता है पाकिस्तान के ऊपर जो कि चीज़ें लिखाई जा सारा को इल्ज़ाम लगाया जाता है वही सारा को टिपिकल स्टोरी जिसकी वजह से ये फिल्म भी बॉक्सेज पर फ्लॉप रही जिस तरह से टाइगर्स जो कि मूवी थी लेकिन उसका जो कि लास्ट में जो सीन था ना वो भी ठीक था लेकिन इस फिल्म का कुछ ठीक ना होने की स्टोरी वजह से ये फिल्म बॉक्सेस पर फ्लॉप रह गई कास्ट की बात करें तो यहाँ पर सिद्धार्थ मरोचा मल्होत्रा जो ना इस फिल्म के अंदर अरुण कटियाल का रोल प्ले करें जो कि आम आर्मी सोल्जर हैं और यहाँ पर राशि खन्ना जो कि प्रिया माधवा का रोल प्ले करी है और यहाँ पर आ, वो कटियाल अरुण की वाइफ है और यहाँ पर दिशा पटानी जो कि लैला खालिद का रोल प्ले कर रही करी यहाँ पर वो फ्लाइट अटेंडेंस है और यहाँ पर रौनित राय इस के अंदर मेचर सुंदर कटियाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर तनुज वरुण इस फिल्म के अंदर समीर खान का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर सन्नी हिंदूजा इस के अंदर जलाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर कार्तिका जो कि भरद्वाज के अंदर तानिया शर्मा का, जुके जुके का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर एम सी जो कि फिल्म के अंदर अनुज रेयर का रोल प्ले कर हैं और यहाँ पर चैटरंजन ट्रॉफ़ी जो इस फिल्म के अंदर एस एन ढिंगरा का रोल प्ले है यहाँ पर फरीदा पटेल फिल्म के अंदर जो कि मिसिस कटियाल का रोल प्ले कर रही है तो ये सारी कास्ट वगैरह है जो आप जिसको इस फिल्म के अंदर अपना रो, अपना रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी और ये सारा कुछ कास्ट थी और यहाँ पर आप जिसको बता दूँ तो ये फ़िल्म बॉक्सेस पर वैसे तो फ्लॉप हो चुकी है अगर आप दोस्त सिद्धार्थ आनंद जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के डाई हार्ट फैन हो साथ ही उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस फिल्म को एक बार तो देख सी सकते हो ये फिल्म अभी भी थिएटर में लगी हुई है तो जाके इस फिल्म को थिएटर में देख सकते हो बड़े बड़े स्क्रीन पर और बड़े पर्दे पर इंजॉय कर सकते हो और अगर आप उसने देखा हुआ है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और वीडियो भी अच्छा लगा वीडियो को भी लाइक कर सकते हो इन फ्यूचर जब भी ये फिल्म ओ टी प्लेटफॉर्म पर आती है तो उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजमी चैनल को आप सुन सब्सक्राइब करके कर कर रखना है और यहाँ पर इस फिल्म यानी योद्धा मूवी की बात करें तो आप इसको बता दूँ योद्धा फिल्म जो कि एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी लेकिन यहाँ पर स्टोरी जो कि फिल्म की अच्छी ना होने की वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है फिर भी यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद के सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैंस के लिए उनकी ये फ़िल्म काफ़ी अच्छी उनको पसंद आएगी यहाँ पर हाई जैकिंग वाले सीन दिखाए गए हैं अगर आप तो उस हाई जैकिंग वाली मूवीज़ को पसंद करते हो तो ये फ़िल्म आपको देखनी चाहिए इस फिल्म को देख सकते हो तो ये फ़िल्म आपको थिएटर में देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जाके देख सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो और और अपना ओपिनियन भी कम बॉक्स में बता सकती हो इन फ्यूचर जैसे ओ टी टी ओ टी टी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अपडेट्स आती हैं या इस फिल्म यानी जो कि बात करें योद्धा मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करवाया जाता है तो वो भी अपडेट्स मिल जाएगी इसी चैनल पर तो लाजमी आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर वेलकम बैक दी एन अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ जो कि ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई योद्धा मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा की फ़िल्म योद्धा मूवी कैसी है ये फ़िल्म आपको कहाँ पे ऑफिशियली देखने को मिलेगी कैसे देख सकते हो उस फिल्म को और यहाँ पर इस फिल्म को तो ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिए गए कैसा रिस्पांस मिल रहा है वो भी बात करेंगे अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर योद्धा मूवी देखने के लिए आए हैं तो डिस्क्लेमर में बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको योद्धा मूवी देखने को नहीं मिलेगी इस फिल्म के अन नाउन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और आप उसको ये भी बताया जाएगा कि ये फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकते हो और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पर ऑफिशली जा देख सकते हो और साथ ही इस इलम का रिव्यू किया जाने वाला है कैसी ये स्टोरी फिल्म की बॉक्स पर इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके ऊपर भी बात की जाएगी तो इंटरेस्टेड लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो वीडियो को और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें योद्धा मूवी की तो ये फिल्म 2024 में रिलीज की गई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जी हाँ सो एक्शन थ्रिलर फिल्म का जोन रहा था और इस फिल्म को रनिंग टाइम दिया गया है दो घंटे तेरह मिनट का और हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी तो यहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो फिल्म को डायरेक्ट किया है पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले कौन सी मूवी को डायरेक्ट किया है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर उससे इससे पहले उन्होंने सिर्फ एक फ़िल्म को डायरेक्ट किया है शायद शेर शाह मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं शेर शाह मूवी को डायरेक्ट ना किए भी शायद नहीं किया लेकिन उसी की टाइप की ये फ़िल्म है जिस तरह शेर शाह के अंदर यहाँ पर जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा तरह की जो एक्टिंग थी ना वो नेक्स्ट लेवल देखने को मिली थी इस फिल्म यानी योद्धा के अंदर भी उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म को टेन बाय सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली हुई है गूगल के ऊपर ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से और यहाँ पर फिल्म को पंद्रह मार्च को टू थाउजेंड ट्वेंटी में इन जो कि फ़िल्म को रिलीज़ करवाया गया था जो कि पैन इंडिया तो नहीं इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाया गया था और ये फ़िल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिला वो भी बात करते हैं तो यहाँ पर आप जिसको बता दूँ कि इस इनको टेन बाय सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली और थी थी और है नाइन्टी थ्री परसेंट गूगल के ऊपर लाइक भी मिल चुके हैं और यहाँ पर इस फिल्म को जो कि पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर सागर अम्बरे ने मिलकर इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था बजट इस फिल्म का पचपन करोड़ था और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कर रही थी ए फिल्म और यहाँ पर एडिट फिल्म को किया हुआ था शिव कुमार ने और यहाँ पर आगे इस फिल्म के बारे में बात करें तो म्यूज़िक इस फिल्म को जो जो सॉन्ग्स वगैरह थे ना उसको तानिक भाची विशाल मिश्रा भी प्राग और यहाँ पर आदित्य देव जॉन स्टेर एदेरे और यहाँ पर स्कोर जॉन जो कि स्टार्ट एवदेो ने मिलकर जो कि म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ जो कि योद्धा का ट्रांसलेट किया जाए तो वॉरियर बनता है ये टू में इंडियन हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थे और इस उनका जो है एक्शन थ्रिलर और इसको राइट और डायरेक्ट किया है सागर अम्बरे ने और यहाँ पर पुष्कर ओझा ने विद प्रोड्यूस बाय जो कि हीरोश जोहर ने और यहाँ पर करुण जौहर और यहाँ पर अपूर्वा मेहता द अंडर द बैनर धर्मा प्रोडक्शन जो कि कंपनी के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है स्टार कास्ट में देखने मिले सिद्धार्थ मल्होत्रा राशि खन्ना एंड दिशा पटानी और यहाँ पर जो कि बात करें अभी फिल्म के जो कि बात की जाए कुछ कास्ट और यहाँ पर सोनेमोडोग्राफी तो सिन्म की, की, की तो जिष्णु भट्ट भट्टाचार्य जो कि फिल्म की की एडिट किया फिल्म के शिव कुमार भी पंकड़ ने और यहाँ पर जो कि बता दो आप इसको चूँकि प्रोडक्शन कंपनी की तो प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो कि अमेजोन एम जी स्टूडियोज धर्मा प्रोडक्शन मैंटो डिस्कम्पल एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ए फिल्म है इसम को रिलीज़ करवाया पंद्रह मार्च को टू में और का रनिंग टाइम था एक मिनट यानी दो घंटे दस मिनट और ये एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी बचपन रोड फिल्म का बजट था और अभी तक इसमें टोटली वर्ल्ड वाइडली सत्रह करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है और जिस तरह से ये फिल्म कलेक्शन कर रही है और ये फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप के ज़मरे में जा रही है जी हाँ सो फ्लॉप जा रही है लेकिन देखा जाए तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है और साथ ही यहाँ पर स्टोरी भी ठीक ठाक है लेकिन जो कि फिर से वही टिपिकल जो कि सीन रखे गए हैं जिस तरह से पाकिस्तान को जो कि फिर से पाकिस्तान को ट्रोल किया जाता है पाकिस्तान को दोषी ठहराया जाता है पाकिस्तान के ऊपर जो कि चीज़ें लिखाई जा सारा को इल्जाम लगाया जाता है वही सारा को टिपिकल स्टोरी जिसकी वजह से ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही जिस तरह से टाइगर्स जो कि मूवी थी लेकिन उसका जो कि लास्ट में जो सीन था ना वो भी ठीक था लेकिन इस फिल्म का कुछ ठीक ना होने की स्टोरी वजह से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रह गई कास्ट की बात करें तो यहाँ पर सिद्धार्थ मरो मल्होत्रा जो ना इस फिल्म के अंदर अरुण कटियाल का रोल प्ले करें जो कि आर्मी सोल्जर हैं और यहाँ पर राशि खन्ना जो कि प्रिया माधवा का रोल प्ले करें और यहाँ पर वो कटियाल अरुण की वाइफ है और यहाँ पर दिशा पठानी जो कि लैला खालिद का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर वो फ्लाइट अटेंडेंस है और यहाँ पर रौनित राय इसम के अंदर मेचर सुंदर कटियाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर तनुज वरुण इस फिल्म के अंदर समीर खान का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर सन्नी हिंदुजा फिल्म के अंदर जलाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर कार्तिका जो कि भरद्वाज फिल्म के अंदर तानिया शर्मा का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर एमसी जो कि जहीही फिल्म के अंदर अनुज रेयर का रोल प्ले कर रहे और यहाँ पर चैटरंजन ट्रॉफी जो इस अंदर एस एन धिन ढिंगरा का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर फरीदा पटेल फ़िल्म के अंदर जो मिसिस कटियाल का रोल प्ले कर रही है तो ये सारी कास्ट वगैरह है जो आप जिसको इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी और ये सारा कुछ कास्ट थी और यहाँ पर आप जिसको बता दूँ तो ये फिल्म बॉक्सेस पर वैसे तो फ्लॉप हो चुकी है अगर आप दोस्त सिद्धार्थ आनंद जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के डाई हार्ट फैन हो साथ ही उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस फिल्म को एक बार तो देख सी सकते हो ये फिल्म अभी भी थिएटर में लगी हुई है तो जाके इस फिल्म को थिएटर में देख सकते हो बड़े बड़े स्क्रीन पर और बड़े पर्दे पर, पर इंजॉय कर सकते हो और अगर आप उसने देखा हुआ है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और वीडियो भी अच्छा लगा वीडियो को भी लाइक कर सकते हो इन फ्यूचर जब ये फिल्म ओ टी प्लेटफॉर्म पर आती है तो उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजमी चैनल को आप सुने सब्सक्राइब करके कर रखना है और यहाँ पर इस फिल्म यानी योद्धा मूवी की बात करें तो आप इसको बता दूं योद्धा फिल्म जो कि एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी लेकिन यहां पर स्टोरी जो कि फिल्म की अच्छी ना होने की वजह से ये फिल्म ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है फिर भी यहां पर सिद्धार्थ आनंद के सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैंस के लिए उनकी ये फिल्म काफ़ी अच्छी उनको पसंद आएगी यहाँ पर हाई जैकिंग वाले सीन दिखाए गए हैं अगर आप उस हाई जैकिंग वाली मूवीज़ को पसंद करते हो तो ये फिल्म आपको देखनी चाहिए को देख सकते हो तो ये फिल्म आपको थिएटर में देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जाके देख सकती हो और इन्जॉय कर सकते हो और अपना ओपिनियन भी कन बॉक्स में बता सकते हो इन फ्यूचर जैसे ओ टी टी ओ टी टी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अपडेट्स आती हैं या इस फिल्म यानी जो कि बात करें योद्धा मूवी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करवाया जाता है तो वो भी अपडेट्स मिल जाएगी इसी चैनल पर तो लाजमी आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना ओपिनियन भी कम बॉक्स में बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ जो कि ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई योद्धा मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा की फ़िल्म योद्धा मूवी कैसी है ये फ़िल्म आपको कहाँ पे ऑफिशियली देखने को मिलेगी कैसे देख सकते हो उस फिल्म को और यहाँ पर इस फिल्म को तो ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया कैसा रिस्पांस मिल रहा है वो भी बात करेंगे अगर आप दोस्त इस वीडियो के अंदर योद्धा मूवी देखने के लिए आए हैं तो डिस्क्लेमर में बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको योद्धा मूवी देखने को नहीं मिलेगी इस फिल्म के अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा और आप जिसको ये भी बताया जाएगा कि ये फिल्म आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी आप दोस्त कैसे देख सकती हो और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पर ऑफिशली जा देख सकते हो और साथ ही इस इम का रिव्यू किया जाने वाला है कैसी है स्टोरी फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके ऊपर भी बात की जाएगी तो इंटरेस्टिंग लाइक करके लास्ट तक देख सकते हो वीडियो को और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो तो यहाँ पर हम तो सब बात करें योद्धा मूवी की तो ये फिल्म 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जी हाँ सो एक्शन थ्रिलर फिल्म का जोन रहा था और इस फिल्म को रनिंग टाइम दिया गया है दो घंटे तेरह मिनट का और ये एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी तो यहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर उन्होंने इससे पहले कौन सी मूवी को डायरेक्ट किया है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर उससे इससे पहले उन्होंने सिर्फ़ एक फ़िल्म को डायरेक्ट किया है शायद शेर शाह मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं शेर शाह मूवी को डायरेक्ट ना किए भी शायद नहीं किया लेकिन उसी की टाइप की ये फ़िल्म है जिस तरह शेर शाह के अंदर यहाँ पर जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा तरह की जो एक्टिंग थी ना वो नेक्स्ट लेवल देखने को मिली थी इस फिल्म यानी योद्धा के अंदर भी उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर फिल्म को टेन बाय सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली हुई है गूगल के ऊपर ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से और यहाँ पर फिल्म को पंद्रह मार्च को टू थाउजेंड ट्वेंटी में इन जो कि फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जो कि पैन इंडिया तो नहीं इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ करवाया गया था और इस फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिला वो भी बात करते हैं तो यहाँ पर आप जिसको बता दूँ कि सिम को टेन बाई सिक्स पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली है नाइन्टी थ्री परसेंट गूगल के ऊपर लाइक भी मिल चुके हैं और यहाँ पर सिन को जो कि पुष्कर ओझा ने और यहाँ पर सागर अमरे ने मिलकर इस सिंको डायरेक्ट किया हुआ था बजट इसम का पचपन करोड़ था और सिम को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कर रही थी ए फिल्म और यहाँ पर एडि सिन को किया हुआ था शिव कुमार ने और यहाँ पर आगे इस फिल्म के बारे में बात करें तो म्यूज़िक इस फिल्म को जो सॉन्ग्स वगैरह थे ना उसको तानिक भाची विशाल मिश्रा भी प्राक और यहाँ पर आदित्य देव जॉन स्टेर एदे और यहाँ पर स्कोर जॉन जो कि स्टार्ट एवे ने मिलकर जो कि म्यूजिक वगैरह दिया हुआ था तो यहाँ पर आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आप इसको बता दूँ जो कि योद्धा का ट्रांसलेट किया जाए तो वॉरियर बनता है यह 2024 में इंडियन हिंदी लैंग्वेज की फिल्म था और इस फिल्म का जो है एक्शन थ्रिलर और फिल्म को राइट और डायरेक्ट किया है सागर अम्बरे ने और यहाँ पर पुष्कर ओझा ने विद प्रोड्यूस बाय जो कि याश जोहर ने और यहाँ पर करुण जौहर और यहाँ पर अपूर्वा मेहता द अंडर द बैनर धर्मा प्रोडक्शन जो कि कंपनी के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कास्ट में देखने मिले सिद्धार्थ मल्होत्रा राशि खन्ना एंड दिशा पटानी और यहाँ पर जो कि बात करें अभी सीम के जो कि बात की जाए कुछ कास्ट और यहाँ पर सोनेमोडोग्राफी तो की, की तो जिष्णु भट्ट भट्टाचार्य जो कि फिल्म की सोनेडोग्राफी की एडिट किया फिल्म के शिव कुमार भी पंकड़ ने और यहाँ पर जो कि बता दो आप इसको चूंकि प्रोडक्शन कंपनी की तो प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो कि अमेज़ोन एम जी स्टूडियोज धर्मा प्रोडक्शन मैंटो डिसकेम्पल एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ए फिल्म्स है इसम को रिलीज़ करवाया पंद्रह मार्च को टू में और फिल्म का रनिंग टाइम था एक मिनट यानी दो घंटे दस मिनट और ये एक हिंदी लैंग्वेज की फिल्म थी पचपन करोड़ फिल्म का बजट था और अभी तक फिल्म ने टोटली वर्ल्ड वाइडली सत्रह करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है और जिस तरह से ये फिल्म कलेक्शन कर रही है और ये फ़िल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप के ज़मरे में जा रही है जी हाँ सो फ्लॉप जा रही है लेकिन देखा जाए तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है और साथ ही यहाँ पर स्टोरी भी ठीक ठाक है लेकिन जो कि फिर से वही टिपिकल जो कि सीन रखे गए हैं जिस तरह से पाकिस्तान को जो कि फिर से पाकिस्तान को ट्रोल किया जाता है पाकिस्तान को दोषी ठहराया जाता है पाकिस्तान के ऊपर जो कि चीजें लिखाई सारा को इल्जाम लगाया जाता है वही सारा को टिपिकल स्टोरी जिसकी वजह से यह फिल्म भी बॉक्सेस पर फ्लॉप रही जिस तरह से टाइगर्स जो कि मूवी थी लेकिन उसका जो कि लास्ट में जो सीन था ना वो भी ठीक था लेकिन इस फिल्म का कुछ ठीक ना होने की स्टोरी वजह से यह फिल्म बॉक्सेस पर फ्लॉप रह गई कास्ट की बात करें तो यहाँ पर सिद्धार्थ मरोजा मल्होत्रा जो है फिल्म के अंदर अरुण कटियाल का रोल प्ले करें जो कि आर्म आर्मी सोल्जर हैं और यहाँ पर राशि खन्ना जो कि प्रिया माधवा का रोल प्ले करें और यहाँ पर आ, वो कटियाल अरुण की वाइफ है और यहाँ पर दिशा पटानी जो कि लैला खालिद का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर वो फ्लाइट अटेंडेंस है और यहाँ पर रौनित राय फिल्म के अंदर मेचर सुंदर कटियाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर तनुज वरुण इस फिल्म के अंदर समीर खान का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर सनी हिंदूजा इस फिल्म के अंदर जलाल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर कार्तिका जो कि भरद्वाज इस फिल्म के अंदर तानिया शर्मा का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर एम सी जो कि जहीर इस फिल्म के अंदर अनुज रेयर का रोल प्ले करे और यहाँ पर चैटोरंजन ट्रॉफी जो इस फिल्म के अंदर एस एन ढिन ढिंगरा का रोल प्ले करो यहाँ पर फ़रीदा पटेल फिल्म के अंदर जो कि मिसिस कटियाल का रोल प्ले कर रही है तो ये सारी कास्ट वगैरह है जो आप जिसको इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले करते हुए दिखाई देगी और ये सारा कुछ कास्ट थी और यहाँ पर आप जिसको बता दूँ तो ये फिल्म बॉक्सेस पर वैसे तो फ्लॉप हो चुकी है अगर आप दोस्त सिद्धार्थ आनंद जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के डाई हार्ट फैन हो साथ ही उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करते हो तो इस फिल्म को एक बार तो देख स ही सकते हो ये फिल्म अभी भी थिएटर में लगी हुई है तो जाके इस फिल्म को थिएटर में देख सकते हो बड़े बड़े स्क्रीन पर और बड़े पर्दे पर, पर इंजॉय कर सकते हो और अगर आप उसने देखा हुआ है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी अपना ओपिनियन कम लॉस में बता सकते हो और वीडियो भी अच्छा लगा वीडियो को भी लाइक कर सकते हो इन फ्यूचर जब ये फ़िल्म ओ टी प्लेटफॉर्म पर आती है तो उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगी वो भी इस चैनल पर मिल जाएंगी तो लाजमी चैनल को आप सुने सब्सक्राइब करके रखना है और यहाँ पर इस फिल्म यानी योद्धा मूवी की बात करें तो आप इसको बता दूँ योद्धा फ़िल्म जो कि एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी लेकिन यहाँ पर स्टोरी जो कि फिल्म की अच्छी ना होने की वजह से फिल्म बॉक्सेस पर फ्लॉप हो चुकी है फिर भी यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद के सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैंस के लिए उनकी ये फिल्म काफ़ी अच्छी उनको पसंद आएगी यहाँ पर हाई जैकिंग वाले सीन दिखाए गए हैं अगर आप दो हाई जैकिंग वाली मूवीज़ को पसंद करते हो तो ये फिल्म आपको देखनी चाहिए फिल्म को देख सकते हो तो ये फ़िल्म आपको थिएटर में देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में जाके देख सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो और और अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो इन फ्यूचर जैसे ओ टी टी ओटी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अपडेट्स आती हैं या इस फिल्म यानी जो कि बात करें योद्धा मूवी के मुई किम पर रिलीज करवाया जाता है तो वो भी अपडेट्स मिल जाएगी इसी चैनल पर तो लाजमी आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में बताना है और वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब